हाय सुरभि। हेलो गाइस। हेलो, हेलो बेटा, लिख लो बेटा। हेलो हेलो गाइस, हेलो। बाकी लोग को भी प्लीज एक बार बता दो जो तुम्हारे दोस्त हैं। रोज टू में से स्वामिनी भागवत, तुम्हारा डाउट नहीं क्लियर हुआ मुझे, क्या पूछ रही हो तुम? स्मॉल एम इज अ मास ऑफ न्यूक्लियस, यस। हाँ स्वामिनी, तुम्हारा डाउट मिस्टर अननोन ने क्लियर किया होगा तो अच्छी बात है। डन ना गाइस, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, ये क्यू की वैल्यू निकाल ली हमने। ओके, अब ये क्यू की वैल्यू कौन यूज कर रहा है? ये क्यू की वैल्यू तुम्हारी कौन यूज कर रहा है? एक तो यूज कर रहा है वाई और दूसरा कर रहा है ई प्लस। ये दोनों मिलके ले रहे हैं इस वैल्यू को, ये दोनों मिलके यूटिलाइज कर रहे हैं इस वैल्यू को, राइट? सो देखो, ओके सब लोग ध्यान दो। अभी इस ई प्लस की वैल्यू को, सॉरी Q की वैल्यू को E प्लस और Y ले रहा है। ओके, Q इज यूटिलाइज्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ E प्लस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y। अब अगर अपन बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ 2m ke। क्या होता है, सॉरी, मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2m ke होता है। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? पी स्क्वायर बाई 2m होता है। क्या होता है वैल्यू? पी स्क्वायर बाई 2m। जिसका मास बहुत बड़ा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि मोमेंटम तो दोनों का सेम होने वाला है। व्हाई मोमेंटम इज सेम? दोनों का मोमेंटम सेम क्यों है? बिकॉज एफिनिट एक्टिंग ऑन अ सिस्टम जीरो है, तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहना चाहिए। फाइनल मोमेंटम जीरो कब रहने वाला है? जब इसको और इसको इक्वल मिला और अपोजिट डायरेक्शन में मिला, तो मोमेंटम ऑफ ई प्लस इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ वाई। ओके, नाउ एज देयर मोमेंटम इज सेम, वी कैन से दैट the one with the higher mass has a less kinetic energy. Now, when you compare the mass of E plus and Y, okay, when we compare the mass of E plus and Y, whose mass is greater? Y का mass बहुत बड़ा है। Y का mass बहुत बड़ा होने की वजह से उसकी kinetic energy बहुत कम है, तो यहाँ पे energy का कोई सवाल ही नहीं आता, जैसा वहाँ पे आया था अल्फा में और वाई में, अल्फा डीके में। तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है, वो पूरी की पूरी एनर्जी कौन लेके चला जाता है? ऑलमोस्ट ई प्लस लेके जाता है। काइनेटिक एनर्जी वाई के पास कुछ बचती नहीं है, काफी कम एनर्जी बचती है जो कि निग्लिजिबल है। तो ऑल दी एनर्जी इज टेकन बाय ई प्लस, दैट इज पॉजिट्रॉन। ये होगी पूरी कहानी इसकी एनर्जी की। अब इसके आगे का भी अपन करेंगे कि क्या होता है इसके आगे। एक बार ये लिख लो, पूरा लिख लो एनर्जी का पूरा। ओके देव, क्या डाउट है? Z माइनस वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था ना, वो मास डिफेक्ट के इक्वेशन में Z माइनस वन ही लिखा होगा ना मैंने, Z माइनस वन सेकेंड Y के केस में Z माइनस वन ही लिखा है ना देव, वही लिखा है। सर कैन वी स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अहेड ऑफ दिस लेक्चर? कैन वी स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अहेड ऑफ दिस लेक्चर्स? वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, जेड माइनस वन एम ई होना चाहिए देव, वही कह रहा हूं मैं। ठीक है,
आगे बढ़ू, लिख लिया सबने ये? वेनेसडे है ना नेक्स्ट लेक्चर? अबे तुम वो सब साहिल ऐसी बातें क्यों पूछते हो? पूरा ध्यान दो ना लेक्चर में। एक बार बोल दिया 10 बार वही क्वेश्चन चल रहा है सबका। फोकस करो अभी लेक्चर में, वो बकवासबाजी नहीं करनी है लेक्चर में। यस अद्वैत, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है चलो अभी यहाँ पे देखो। अब देखो हमने ये निकाल लिया था, पोजिट्रॉन निकल गया था। अब इस पोजिट्रॉन की स्ट्रीम को सब लोग ध्यान देंगे यार, प्लीज फालतू बातें मत करो। ई प्लस को हमने मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया। ओके, व्हेन पोजिट्रॉन्स आर पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड वी मस्ट हैव गेट देम एट द सेम पॉइंट, राइट? सेम कंसेप्ट है। रेडियस का वैल्यू सेम आता है एमवी अपॉन क्यूबी से, ठीक है, या फिर अंडर रूट ऑफ 2m ke अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ke अपॉन क्यूबी से आना चाहिए था, और ये सारे के सारे यहां मिलने चाहिए थे। लेकिन इससे इसमें तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हुआ। इसमें क्या हुआ, एकदम स्पेक्ट्रम मिल गया हमें, हर एक पॉइंट पे एक मिला, डिफरेंट मिले सारे, ठीक है ना। तो ये स्पेक्ट्रम मिला, कंप्लीट स्पेक्ट्रम, इसका मतलब यहाँ पे भी एनर्जी यूटिलाइज कम हुई थी। तो ये जो एनर्जी लेके जा रहा है इस पार्ट, यहाँ पे ये एनर्जी लेके जो जा रहा है ये फोटोन नहीं था, इसमें जो एनर्जी लेके जा रहा था वो था न्यूट्रिनो, उसको नाम दिया गया। एक पार्टिकल था वो जो अपने साथ एनर्जी लेके जा रहा था, उसका नाम है न्यूट्रिनो। इट इज अ पार्टिकल विच टेक्स अवे एनर्जी विथ इट, विच टेक्स अवे एनर्जी विथ इट। इन बीटा प्लस डीके में जो अपने साथ एनर्जी लेके गया बची हुई, उसको कहते हैं अपन न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो को बनाया जाता है इस रिएक्शन में ऐसे, है ना, दोनों जगह लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हर टाइम जब प्रोटॉन टूट के न्यूट्रॉन बनाता है तब उसके साथ न्यूट्रिनो भी निकल रहा था। ओके, सो इस रिएक्शन में ये हमेशा होता है। लेकिन गामा डीके की जब हमने बात की तो हमने कहा कि गामा डीके में गामा फोटोन जो निकल रहे हो, हर अल्फा डीके में निकले ये जरूरी नहीं है। किसी अल्फा डीके में गामा निकलता है, किसी अल्फा डीके में गामा नहीं निकलता है, ठीक है, लिख लो। यस देव, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। लिख लो फटाफट। यस, न्यू है वो, हाँ ऋषभ, नहीं ऋत्विक, हाँ ठीक है बेटा, लिख लिया सबने। चलो अभी बताओ, तुम लोग बताओगे अभी मुझे बीटा माइनस डीके में क्या निकलेगा, उसकी रिएक्शन क्या होगी। चलो सोचो, जिसका लिखना हो गया वो लोग सोचो, बीटा माइनस डीके में रिएक्शन क्या होगी, कैन यू टेल मी? या इट इज वेरी इजी नाउ। ओके, काफी एलिमेंट्स इमिट करते हैं यशोदीप उनको। ओके, इलेक्ट्रॉन निकला। चलो अपन डिस्कस करते हैं अब अगला टॉपिक, बीटा माइनस डीके। ओके, सो नाउ इन बीटा माइनस डीके वी नो दैट इलेक्ट्रॉन विल बी कमिंग आउट। बीटा माइनस डीके में कौन बाहर आता है? इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। सो कैन यू टेल मी विच पार्टिकल विल ब्रेक नाउ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो कौन ब्रेक कर रहा होगा? चलो बोलो, फटाफट बोलो, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो कौन ब्रेक कर रहा होगा? Tell me, there were two possibility, proton and neutron. Already हमने proton की possibility use कर ली। देखो neutron break करेगा, neutron break करेगा तो neutral भी बनना चाहिए, neutral बनना चाहिए तो इसके साथ proton भी निकलना चाहिए और mass भी balance होने चाहिए, ठीक है? So ये reaction इसकी थी। Okay guys, now when we talk about the nuclear reaction at ZA, अब क्या हुआ देखो, अब Y बना, अब neutron टूट के proton extra बन गया, तो एटॉमिक नंबर एक से बढ़ गया अपना, तो यहाँ पे जेड प्लस वन लिखना पड़ेगा। लेकिन न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, इसलिए मास नंबर पे फिर से कोई चेंज नहीं आया, तो मास नंबर यहाँ पे भी ए ही है, और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब जब जब न्यूट्रॉन टूटता है उसके साथ आता है एंटी न्यूट्रिनो। क्या आता है उसके साथ? एंटी न्यूट्रिनो। कब आता है, कैसे आता है, वो अपन रिएक्शन में देखते हैं फिर से। अब ये तो हमने लिख लिया,
रिएक्शन। अब दूसरी बात आती है एनर्जी की, एनर्जी के लिए लिखना पड़ता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट्स की बात अगर सबसे पहले न्यूक्लियस के टर्म्स में करें तो न्यूक्लियस का मास ऑफ एक्स माइनस न्यूक्लियस का मास ऑफ वाई माइनस इलेक्ट्रॉन का मास, ये हो गया न्यूक्लियस के टर्म्स में, ठीक है। दूसरा बात आता है एटम के टर्म्स में, तो एमएक्स में एटम का मास एमएक्स है, कितने इलेक्ट्रॉन है जेड है, तो माइनस जेड एम ई कर दिया हमने। फिर माइनस एम वाई में क्या है, एटम का मास एम वाई है, जेड प्लस वन होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, तो माइनस जेड प्लस वन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से एक माइनस इलेक्ट्रॉन है। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो एमएक्स माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई प्लस जेड एम ई, ठीक है ये प्लस हो गया तो ये भी प्लस एम ई बन गया और ये माइनस एम ई बन गया, इसने इसको मारा इसने इसको मारा, तो अल्टीमेटली ये आ गया एम एक्स माइनस एम वाई, ठीक है। तो दो फॉर्मूला है, कैपिटल एम एक्स माइनस कैपिटल एम वाई और इट इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल एम एक्स माइनस स्मॉल एम वाई माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इट इज नथिंग बट दिस इंटू 931 और दिस इंटू 931, ओके। नाउ दिस एनर्जी इज कंप्लीटली टेकन बाय होम electron, again the mass of electron is very small compared to the mass of y, so we can say that the all value of q is taken by electron, approximately kinetic energy is the energy get by the electron in the reaction, zyada se zyada energy isko mil gayi, isne kuch bhi nahi li apne, same logic pichla logic, okay chalo likh lo fatafat sab log likh lo, सबको समझ में आया होगा, सेम था प्रीवियस केस की तरह ही था ये। ओके ओके चलो मिटा रहा हूं मैं। अब देखो इस रिएक्शन में एंटी न्यूट्रिनो वाली बात अभी बच रही है। सो व्हाट हैपेंड इज कि जब ये इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम आई, व्हेन वी पास द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगेन हमें एक ही जगह पे मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें भी एक जगह पे नहीं मिला, वो अलग अलग जगह पे मिला, एक स्पेक्ट्रम मिला हमें, ठीक है ना, ये स्पेक्ट्रम कंप्लीट हमें मिला, ओके। तो इसमें जो पार्टिकल अपने साथ एनर्जी लेके गया उसको नाम दिया हमने एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ओके। इट इज अ पार्टिकल विच टेक्स अवे एनर्जी विथ इट इन बीटा माइनस डीके। तो एंटी न्यूट्रिनो कब आता है, जब जब न्यूट्रिनो टूटता है, जब जब न्यूट्रॉन टूटता है तब एंटी न्यूट्रिनो आता है, ठीक है, जब जब न्यूट्रॉन टूटता है तब एंटी न्यूट्रिनो आता है। न्यूक्लियस मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ओमकार, वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस ओमकार, वी हैवंट मेंशन एनीथिंग अबाउट द एटम, वी हैवंट मेंशन एनीथिंग अबाउट द एटम, ओके। नाउ द लास्ट वन इज के कैप्चर। के कैप्चर करके भी एक रिएक्शन होती है, उसके बारे में भी अपन समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के कैप्चर। ओके डन गाइस, ओके चलो ओके अब लास्ट रिएक्शन लिख लो के कैप्चर। ओके सो के कैप्चर में क्या होता है, देखो ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, न्यूक्लियस के अबाउट कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है, इफ न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, कभी कभी क्या हो जाता है, इफ न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, हमेशा नहीं होता है, जब न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो कभी कभी वो क्या करता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन
एक पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जब कंबाइन हो जाएंगे तो एक न्यूट्रल पार्टिकल बनेगा, मतलब न्यूट्रॉन बनेगा, और जब जब न्यूट्रॉन बनता है तब तब उसके साथ न्यूट्रिनो नाम की एनर्जी निकलती है, तो ये हमें पता है। तो अगर इसकी रिएक्शन अपन देखे तो एक्स जेड ए जो है, अब प्रोटॉन टूटने की वजह से वो वाई में कन्वर्ट हो गया, जेड माइनस वन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो मास नंबर सेम रहा, प्लस इसके साथ न्यूट्रिनो निकल गया। तो ये तुम्हारी रिएक्शन है के कैप्चर की। So what exactly happening in K capture is the first orbit electron is captured by the proton of the nucleus when the nucleus was unstable and it is forming a neutron out of that and emitting the energy in the form of neutrino. So this is the reaction of K capture. ठीक है? लिख लो। न्यूट्रिनो हार्दिक एक पार्टिकल है जो अपने साथ एनर्जी कैरी करता हुआ निकलता है न्यूक्लियस से। ओके बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा के कैप्चर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, ये मिटा रहा हूं अब मैं, ठीक है? ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दी एन बाय जेड रेशियो। सी, इन द लास्ट लेक्चर वी ड्रॉ टू ग्राफ्स, एक तो बनाया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए, राइट, ये एक बनाया। दूसरा ग्राफ बनाया हमने एन वर्सेस जेड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? ये देव का डाउट ले लेता हूं मैं पहले। सर, तो एक न्यूट्रॉन स्टार एग्जैक्टली क्या होता है? एक न्यूट्रॉन स्टार समझा नहीं बेटा मैं, ठीक है? मुझे पता नहीं है, लेकिन ये वन न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, ठीक है? सो आते हैं यहाँ पे वापस से अपन। तो बेसिकली इन दैट ग्राफ वी फाउंड आउट दैट देयर इज अ स्ट्रिप इन विच ऑल द स्टेबल न्यूक्लियस वर प्रेजेंट। ओके, सो एक बात बताओ मुझे कि स्टेबल बनने के लिए कुछ लोग को नीचे से ऊपर जाना था उस ग्राफ में, कुछ लोग को ऊपर से नीचे आना था। मैं एक बार ग्राफ बना देता हूँ अगर तुम भूल चुके हो तो। देखो, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था मैंने, है ना? ये N होता है, ये Z होता है, और ये तुम्हारा स्टेबिलिटी बेल्ट होता है। इसके अंदर स्टेबल न्यूक्लियस है। I told you that all the stable nucleus are present in this belt. Now, एक बार देखो कि हमने चार रिएक्शन के बारे में स्टडी किया। पहली रिएक्शन क्या थी? अपनी अल्फा डीके वाली रिएक्शन थी। ओके, अल्फा डीके वाली रिएक्शन में क्या हो रहा था? एक्स जेड ए कन्वर्ट हो रहा था वाई जेड माइनस टू ए माइनस फोर प्लस अल्फा पार्टिकल। सेकेंड रिएक्शन अपनी थी बीटा प्लस डीके की। बीटा प्लस डीके में क्या हो रहा था? एक्स जेड ए वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाई जेड, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पी पी टूटा होगा, तो यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे ए प्लस ई प्लस। ओके, इनफैक्ट थर्ड रिएक्शन अपनी बीटा माइनस वाली थी, इसमें एक्स जेड ए कन्वर्ट हो रहा था और ये बना रहा था वाई जेड प्लस वन ए प्लस इलेक्ट्रॉन। द फोर्थ रिएक्शन वॉज, इनफैक्ट यहाँ पे न्यूट्रिनो था, यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो भी था। लास्ट रिएक्शन वॉज के कैप्चर। ओके, सो इन के कैप्चर व्हाट वाज हैपनिंग? एक्स जेड ए वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाई जेड, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है, जेड माइनस वन, यहाँ पे ए प्लस, यहाँ पे साथ में क्या निकल रहा है? न्यूट्रिनो निकल रहा है, ठीक है? अब इन पूरी रिएक्शंस में यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ एन बाय जेड हैज इंक्रीज्ड डिक्रीज और रिमेंस कांस्टेंट। यू हैव टू टेल दैट इन ऑल दीज रिएक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एन बाय जेड का रेशियो तुम्हें बताना है, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। यू हैव टू टेल दैट it is increased, decrease, or it is a constant in the first reaction. First, tell me about the alpha decay. Okay, n by z का रेशियो क्या हुआ? ये रिएक्शन होने के बाद n by z का रेशियो क्या हुआ? घटा कि बढ़ा? इधर जितना था और इधर जितना था, उसमें कंपैरिजन करना है, whether it has decreased, it has increased, or it has remains constant. Okay, just tell me. So, जगजीत ने आंसर दिया मुझे, इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही आंसर है जगजीत का। अब देखो यहाँ पे दो से z घट गया, ए कितने से घट गया? चार से घट गया, मतलब न्यूट्रॉन भी दो से घट गया। तो मेरे पास देखो ये बहुत अच्छी बात है कि इसने बोल दिया, ओके, अल्फा में इंक्रीज हो रहा है ये बोल दिया, लेकिन ये डिक्रीज सोचने वाले भी काफी लोग होते हैं। जरा देखो, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास दो चीज है, एक न्यूट्रॉन है, एक में पांच है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तीन।
अब ये दोनों दो दो से घट गए, पहले रेशियो इनका 5/3 था, अब दो दो से घट गए तो रेशियो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, तो दिस इज ग्रेटर रेशियो, 3/1 इज ग्रेटर, दैट इज व्हाई द वैल्यू हैज इंक्रीज्ड. नाउ गाइस हु विल टेक द न्यूट्रॉन लेस देन द प्रोटॉन विल कंफ्यूज्ड, विल गेट कंफ्यूज्ड एंड वो बोलेंगे कि रेशियो घटना चाहिए सर, क्योंकि अगर तुमने जेड का नंबर बढ़ा ले लिया, मतलब इसको 5 ले लिया, इसको 3 ले लिया, तो रेशियो घटेगा, लेकिन हमेशा हमारे न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन कभी ज्यादा नहीं होते, इसलिए ये रेशियो बढ़ रहा है. ठीक है बेटा, तो ये रेशियो हमेशा बढ़ेगा पहले केस में. सेकंड केस टेल मी, सेकंड केस में क्या हुआ, रेशियो बढ़ा घटा बोलो, सेकंड केस क्विक. यहाँ पे क्या हुआ, न्यूट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटॉन कम हुआ, प्रोटॉन कम हुआ तो जेड कम हुआ, न्यूट्रॉन बढ़ गया तो रेशियो, सेकंड केस में क्या हुआ बोलो फटाफट, न्यूट्रॉन बढ़ गए, क्यों, बिकॉज प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन घट गए, ठीक है, तो नीचे वाला घट गया ऊपर वाला बढ़ गया, तो दोनों सपोर्ट कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है, इंक्रीज को. अरे डिक्रीज को कैसे सपोर्ट करेगा जगजीत, देखो एन और जेड में जेड का घटना और एन का बढ़ना दोनों भी इस रेशियो को बढ़ने को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज कैसे करेगा टेल मी, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज कैसे कर सकता है यशोदीप, जेड का घटना और एन का बढ़ना दोनों भी सपोर्टिंग इंक्रीजिंग वैल्यू, सो दैट्स व्हाई द रेशियो इज इंक्रीजिंग बेटा. ठीक है, नाउ द थर्ड केस टेल मी, इंक्रीज करेगा, थर्ड बताओ, हाँ देव थर्ड बताओ, अमोघ थर्ड बताओ, डिक्रीज, थर्ड में क्या होगा डिक्रीज, फोर्थ बताओ, फोर्थ बताओ, इसमें भी प्रोटॉन घट रहे हैं, फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ टेल मी, थर्ड में डिक्रीज बिल्कुल सही है, फोर्थ में बताओ, फोर्थ में सेकंड की तरह है, फोर्थ यस इंक्रीज करेगा सेकंड की तरह एग्जैक्टली, तो इसका मतलब कुछ जिनका रेशियो बढ़ रहा है वो इधर से इधर जा रहे होंगे, एन बाय जेड मतलब स्लोप बढ़ना, स्लोप बढ़ना मतलब इस रीजन में थे यहां चले गए, इस रीजन वाले यहां से यहां जाने के लिए तीन टाइप की चीजें यूज कर सकते हैं, ये इसका मतलब अल्फा डीके कर सकते हैं, या तो फिर इंक्रीज करने के लिए बीटा प्लस डीके कर सकते हैं, या तो फिर लास्ट वाला के कैप्चर करवा सकते हैं. ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटी है, यहां से यहां आने वाले क्या करवा सकते हैं, बीटा माइनस करवा सकते हैं बस. ठीक है, तो ये ग्राफ को समझना जरूरी था हमारे लिए. ठीक है, हमने ग्राफ समझ लिया, लिख लो पूरा, फिर आगे बढ़ते अपन. ठीक है, फटाफट लिख लो पूरा, हाँ बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो आराम से लिखो, जिसका लिखना हो जाता है वो लोग हल्का रिवाइज कर लो, नोट्स अपने देख लो, क्या क्या है डीकेस सब एक बार देख लो. ओके चलो आगे बढ़ता हूँ, सबने लिख लिया होगा, ये रिएक्शंस ऑलरेडी तुम्हारे पास लिखी हुई है, बस तुम ये भी लिख लेते कि रेशियो इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो, और उसके बाद ये ग्राफ बना के दिखा देते तो भी चलता, ये तुम्हें लिखना नहीं है इधर का साइड वाला. ठीक है चलो आगे बढ़ते, अभी लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डीके एलिमेंट्स और डीके पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डीके एलिमेंट्स लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डीके एलिमेंट्स, डीके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है ना. अमोघ द आंसर टू योर क्वेश्चन द रिजल्ट फ्रॉम द ओके, चलो अमोघ ने आंसर कर लिया, देव तुम्हारे क्वेश्चन को देख लो, मैं भी पढ़ लूंगा थोड़ी देर में. ओके तो अब आते हैं अपन पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि अल्फा बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो क्या होगा. सबसे पहली चीज, उसको पास करते इलेक्ट्रिक फील्ड से, व्हेन दे आर पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट प्रॉपर्टी.
सी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो और ये नेगेटिव चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करती है पॉजिटिव से नेगेटिव, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपनी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब फोर्स का वैल्यू क्या है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू इंटू ई अपॉन एम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास। तो अब तुमने क्या किया, एक रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, उसको लीड कैविटी में रख दिया, मान लिया कि यहां से तीन सारे डीके हो रहे हैं इस रेडियो एक्टिव से, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो गामा को कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड का, गामा निकल जाता है सीधा, चार्जलेस है, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो गामा को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक होता है अल्फा पार्टिकल, ओके, एक होता है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पता है तुम्हें हेलियम का न्यूक्लियस है, एक है बीटा प्लस, बीटा प्लस में तुम्हें पता है पॉजिट्रॉन निकलता है, एक होता है बीटा माइनस। बीटा प्लस और बीटा माइनस एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, मतलब प्लस वाला जाएगा माइनस की तरफ, है ना, ये बीटा प्लस वाला पार्टिकल होगा और माइनस वाला जाएगा प्लस की तरफ, तो ये बीटा माइनस पार्टिकल होगा। अब हमें देखना कि किसका एक्सेलरेशन बड़ा है, किसका एक्सेलरेशन बड़ा है। अगर अपन बात करें इन दोनों की, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि इनका चार्ज भी सेम, बहुत ज्यादा बड़ा है जो है वो बहुत कम है। सी एक्सेलरेशन मास पे डिपेंडेंट है, मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा, तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन बीटा प्लस बीटा माइनस का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मास क्या है, बहुत कम है, ठीक है, एक्सेलरेशन कम मास ज्यादा, ये रिलेशन है ना। तो बीटा प्लस बीटा माइनस का मास बहुत कम होने की वजह से उनका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन मोर देन डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, मोर होगा, तो बीटा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, अल्फा का कम हो रहा है, तो अल्फा पार्टिकल थोड़े ऊपर जाएंगे, कम डिफ्लेक्ट करेंगे, और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे ऐसे। सो ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है। तो इस तरीके से ये पार्टिकल जाते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तीन टाइप के पार्टिकल है तुम्हारे, अल्फा चार है बेसिकली, गामा तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, बिकॉज इट इज अ फोटोन, इट डज नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, ओके गाइस, वो सब डिस्कशन वो अपने काम का नहीं है, है ना, जेई के लिए काम का नहीं है, वो करेंगे अपन, अच्छी बात है, तुम लोग को क्यूरियोसिटी है, पर पहले ये चीज लिख लो, बाद में डिस्कशन करो। क्या लिखा था मोग ने, द रिजल्ट फ्रॉम द ओके चलो लिख लिया सबने, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पार्टिकल्स को कौन किधर बेंड करता है, कौन ज्यादा बेंड कर रहा है, गामा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके बेटा, यस, एक्सेलरेशन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, तुरंत एकदम डिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन अल्फा आराम से डिफ्लेक्ट हुआ, ये डिफरेंस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड में अगर उनको रख दिया तो क्या होगा, टेल मी क्या होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स हमने डिस्कस किया है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बोलो, मैग्नेटिक फोर्स होता है तुम्हारा क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। हम क्या करते हैं, वेलोसिटी और फील्ड को परपेंडिकुलर रखते हैं, तो वेलोसिटी और फील्ड को परपेंडिकुलर रख देंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वी बी साइन 90, साइन 91 होता है तो क्यू वी बी हो गया, विच इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी अपॉन एम, अगेन मास हायर एक्सेलरेशन लोअर डिफ्लेक्शन लोअर, सिंपल कंसेप्ट है, वही सेम कंसेप्ट है, मास के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, अब मास के ऊपर डिपेंडेंट है तो मास ऑफ अल्फा फिर से बड़ा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा फिर से कम होगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन बनाते हैं, ठीक है, कैसे बना रहे हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इनसाइड द प्लेन, इस प्लेन के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अ बी मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो मान रहे कि सारा डिके कर रहा है, अगेन गामा को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सीधा निकल लिया। अब बात आती है अल्फा की, सी फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वी क्रॉस बी के डायरेक्शन से दे रहे अपन, ये वी है ऊपर की तरफ, बी अंदर है, तो वी क्रॉस बी एक्चुअली इधर है, अल्फा पार्टिकल इधर जाएगा,
बीटा प्लस भी इधर जाएगा, ये अल्फा है ये बीटा प्लस है, और जैसे बीटा प्लस गया वैसे ही बीटा माइनस इधर जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन कैसे दी हमने, v पर, ये v क्रॉस b से, v ऊपर b अंदर, तो v क्रॉस b इधर की तरफ होगा, ओके। सो इसका मतलब, और इनफैक्ट एक्सेलरेशन का तो ऑलरेडी मुझे पता था, एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ बीटा प्लस व्हिच इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बीटा माइनस, या ओके गाइस लिख लो फटाफट, साहिल यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, लिख लो। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी, टोटल चार प्रॉपर्टी अपनी है ना। ओके बेटा लिख लिया सबने, जिन्होंने लिख लिया वो जरा मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा हो, कौन ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, बता सकते हो कौन ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, ओके। साहिल तुम्हारा डाउट मैं लेता हूँ, साहिल का कहना है कि आप बोल रहे हो कि जिसका मास कम हो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होना चाहिए, बराबर है। तो लेकिन अगर मोमेंटम के व्यू से देखो, मोमेंटम लिख दिया तूने, चल ठीक है, मोमेंटम के व्यू से देखो तो लेस मास वाले पार्टिकल का मोमेंटम, लेस मास वाले पार्टिकल का मोमेंटम इज अंडर रूट 2mke, ओके। लेस मास वाले पार्टिकल का मोमेंटम और ke एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, तो अपोजिंग फोर्स भी तो कंपेयर कैसे कर रहा है, मोमेंटम को कंपेयर कैसे कर रहा है। अगर मोमेंटम को देखेगा तो मोमेंटम में अंडर रूट 2mke फॉर्मूला यूज करेगा, और उसमें मास सबका अलग है, काइनेटिक एनर्जी हम सबकी सेम मान रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी तो अलग मानी ही नहीं हमने, ठीक है ना, वेलोसिटी तो सबकी सेम मानी हमने, गामा छोड़ दो, गामा तो 3×10⁸ से जाएगा, लेकिन बाकी सबकी वेलोसिटी को सेम माना है हमने, है ना। तो किस बात पे, तो फिर उससे क्या होगा, मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, है ना, मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा होगा। मैसेज भी देखो, दूसरा मैसेज भी देखू, क्या है दूसरा मैसेज, हाँ सब लोगों ने बोला कि गामा का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, ओके साहिल अपन करते हैं बाद में डिस्कस, ठीक है साहिल, क्लियर नहीं है तेरा डाउट मुझे, ठीक है, क्या कंपेयर कर रहे तू, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ ले पहले एक बार, ऐसे ही सोचना पड़ेगा हमें, यही ऑप्शन है। चलो सब लोगों ने कहा है कि गामा का जो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको फर्क नहीं पड़ता उसके रास्ते में कौन आ रहा है, बहुत ही फास्ट जाती है वो, और उसकी वजह से उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। तो लिखो थर्ड हेडिंग, पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा इज ग्रेटर। अब बताओ अल्फा और बीटा में किसका ज्यादा होगा, टेल मी, सेकंड किसका होगा, सेकंड नंबर किसका आएगा, यस बीटा का आएगा, बहुत बढ़िया ऋत्विक, तो सेकंड नंबर आएगा बीटा का, क्योंकि इसका मास जो है वो कम है, तो ये इंटरेक्शन कम करेगा चीजों के साथ, और उसके वजह से इसका पेनिट्रेशन पावर अल्फा से ज्यादा होगा, तो बीटा प्लस का बीटा माइनस के बराबर कर लो, और ये अल्फा कर लो, ठीक है। अल्फा बहुत हेवी है, इंटरेक्ट करता हुआ जाएगा, इसलिए इसका पेनिट्रेशन पावर कम होगा। अब फाइनल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आयनाइजिंग पावर, टेल मी आयनाइजिंग पावर किसका ज्यादा है, टेल मी, यू नो व्हाट इज आयनाइजिंग पावर, राइट, आयनाइज करने की कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, आयनाइज करना, चीजों को आयनाइज करते हैं अपन, राइट, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो सबसे ज्यादा देर के लिए आयनाइज कौन हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कि गामा हो सकता है, सबसे ज्यादा देर के लिए आयनाइज कौन हो सकता है, टेल मी, अल्फा, वेरी गुड, अल्फा हो सकता है, क्योंकि अल्फा का मास ज्यादा है, आयनाइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है, ज्यादा देर के लिए गैस को एक्सपोज करेंगे किसी को तो ज्यादा देर के लिए आयनाइज करना चाहिए, मतलब मास ज्यादा तो आयनाइजिंग पावर भी ज्यादा होगा, तो सिंपली इसमें क्या होगा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा प्लस बीटा माइनस विच इज ग्रेटर देन गामा, लिख लो, चारों प्रॉपर्टी हो गई है, लिख लो फटाफट। फटाफट लिख लो,
लास्ट लेक्चर में हमने मॉड्यूल से पहले 5 क्वेश्चन किए थे, आई गेस मुझे ये याद आ रहा है. नो, इन टुडेज लेक्चर वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7th फर्स्ट. 6th छोड़ना है फिलहाल. श्रावा, क्वेश्चन नंबर 7th फ्रॉम मॉड्यूल बेटा. क्वेश्चन नंबर 7th फ्रॉम मॉड्यूल. मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं अपन, क्लास वर्क प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 7th. सबसे पहले 7th क्वेश्चन करेंगे. चलो, जिनका हो गया वो लिखो. सही कह रहे हैं देव, हम कुछ चीजों को कांस्टेंट मानते हुए उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. दो चीजों को, जब दो चीजें आती है इक्वेशन में, एक को कांस्टेंट मार के ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा. ठीक है, पेज नंबर है अपना 305 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 7 करना है. 1 2 3 4 5 वी सॉल्व इन द लास्ट लेक्चर. ओके, तो 7th पहले करो. 6th मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, वो पढ़ाऊंगा. लास्ट पार्ट जो बच रहा है अपना, काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, वो पढ़ाऊंगा मैं. पहले तो 7th कर लेते हैं, जो पढ़ लिया है उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं मॉड्यूल से. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7th. साहिल अभी बेटा इस पे डिस्कशन मत करो. देव रहने दो, तुम लोग एक दूसरे के डाउट लेते बैठोगे, इतनी सारी कमेंट आएगी, मुझे काम की कमेंट नहीं समझेगी. ठीक है, अभी मॉड्यूल पे आ जाओ, मॉड्यूल की बात करते हैं पहले अपन. ठीक है, पहला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन कि तुम्हारा एक रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है और इस डीके में उसने क्या दिया हुआ है कि हेलियम टूट रहा है कुछ, नहीं, हेलियम एल्युमिनियम के साथ मिल रहा है और कुछ एक्स बना रहा है. तो उस एक्स के लिए जेड क्या होगा और ए क्या होगा. बहुत ही सिंपल चीज है ये, है ना, बहुत ही सिंपल चीज है. एच ई का एडिशन किया है इसने एल के साथ और एक एक्स बनाया है और उसके साथ एक न्यूट्रॉन को बाहर निकाला है. ओके, एल के लिए है तुम्हारा 1327, एच ई के लिए तो 24 होगा. ओके, 24 होना चाहिए, नहीं 42 कैसे हो गया, उल्टा लिख दिया. जेड इक्वल्स टू 15 होना चाहिए इसका, है ना, जेड इक्वल्स टू 15 होना चाहिए और ये 31 में एक चला गया तो ये 30 होना चाहिए. तो 15 30 ऐसा इसका आंसर होगा. काफी इजी क्वेश्चन है बेटा. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिट कर लो, एच ई 42 लिखा है उसने, 24 लिखना चाहिए. ध्यान दो, एच ई 24 लिखना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 भी अपन सॉल्व कर सकते हैं. करो चलो फटाफट. हाँ साहिल, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 8 में दिया थोरियम प्रोड्यूसेस अरे बाप रे, बिस्मत का कुछ गलत है यार, बिस्मत का कुछ गलत है. 812 तो हो ही नहीं सकता, बिस्मत में थोड़ा सा गलती लग रही है. जगजीत का तो आंसर भी आ गया, गलती नहीं है क्या बिस्मत में. जगजीत 812 कैसे हो सकता है, 812 कैसे हो सकता है जगजीत, बिस्मत का वो शायद मिसप्रिंट हुआ है. थोरियम का क्या दिया है, थोरियम इज गिवन एज 90 and 238 और बिस्मत का दिया हुआ है उसने 83 और ऊपर दिया हुआ है 812 तो नहीं हो सकता जगजीत, बिस्मत का 812 कैसे हो सकता है. 212 होगा, हाँ देखो 212 तुम्हारे इसमें 212 लिखा है, अरे इसमें 812 लिखा है, 812 चलो मान लेते हैं ये 212 है, चलेगा. और ये 38 है, ये भी 38 है ना, थोरियम बराबर है ना. अच्छा अद्वैत कह रहा है कि 216 होना चाहिए, 222 होना चाहिए, अरे बाप रे बाप, 212 होना चाहिए कि 222, चेक करना पड़ेगा हम लोग को एक बार ये. ठीक है, क्वेश्चन में तो पक्का गलत दिया हुआ है. खैर लेकिन ये बहुत ही आसान चीज है, अगर ये 90 से 83 आ रहा है तो Z इसका 7 से कम हो रहा है. मास अल्फा पार्टिकल के लिए तो तुम्हें मास नंबर को देखना है, बिकॉज इसने पूछा क्या अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, बीटा मतलब क्या, बीटा में मास नंबर चेंज नहीं होता है, तो यहां से अल्फा पता चलेगा. यहां से अल्फा देखू अगर मैं तो 6 32 आएगा तो 26 बाय 4 गलत है,
कुछ तो गलत है इसमें, 12 तो नहीं होगा या तो फिर ये 238 नहीं होगा, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। मिखाइल कह रहे हैं बिस्मत का 208 होना चाहिए, 208 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो 5 अल्फा, 30 हो जाएगा तो 4 से डिवाइड करना है, कैसे 4 से डिवाइड होगा, 30 होगा तो कैसे 4 से डिवाइड होगा, अरे 4 से डिवाइड होना चाहिए, एक हेलियम पार्टिकल एक अल्फा पार्टिकल का 4 है, है ना, तो 16, 20, 24, 16, 20, 24, 28 इस ऐसा कुछ डिफरेंस चाहिए हमें, ठीक है, तो कुछ तो झोल है क्वेश्चन में, थोड़ा स्टार मार्क कर लो एग्जैक्ट, अब इसका काउंट याद नहीं है मुझे, थोरियम का रहता कितना है, थोरियम और बिस्मत का, ठीक है, मुझे लगता है बिस्मत का 212 होता है, बिकॉज हाँ 212 होता है, इसका कुछ झोल लग रहा है मुझे 238 का, एक बार चेक कर लो, ये 212 होता है शायद से, ठीक है, इसका चेक कर लो, 228 तो नहीं है ना बाय चांस, 238 ऐसा कुछ, 209 देख लो बोल रहे बच्चे, ठीक है 209 देखा तो 29 आ रहा है ना, लेकिन यार बीटा में मास नंबर कभी नहीं बढ़ता है, 29 कैसे आ जाएगा बेटा, थोरियम का 232 है, आदित्य कह रहा है कि थोरियम का 232 है, तो हाँ अगर मैं थोरियम का 232 लेता हूँ आदित्य, तो मास नंबर 20 से कम हुआ, 20 से कम हुआ तो 5 अल्फा पार्टिकल निकल गए, और 5 अल्फा पार्टिकल निकलते अगर तो यहां से कितना कम होना चाहिए, 90 - 5 × 2 दैट इज 80 होना चाहिए, तो इसका मतलब 3 बीटा डिके हुए होंगे, 5 अल्फा और 3 बीटा, ये आंसर होना चाहिए इसका, ये आंसर तब वैलिड है जब ये 232 लिया और ये 212 लिया, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट मतलब आंसर मिल रहा है, बाकी सारे जो डाटा है उसमें आंसर नहीं मिल रहा है, ओके सो एक काम कर लो, ये वाला डाटा लिख लो और आंसर ये लिख लो, जो भी है पीछे दिया हुआ उसको करेक्ट कर लो, डाटा ये लिख लो, लेकिन इसका एक्चुअल डाटा हमें देखना पड़ेगा किसी स्टैंडर्ड बुक में, ठीक है, यहाँ पे तो पक्का गलत प्रिंट हुआ है फॉर श्योर, ओके सो नाइन्थ कर सकते हैं क्या, नहीं नाइन्थ नहीं कर सकते अपन अभी, टेंथ भी नहीं कर सकते अपन अभी, अब डायरेक्टली हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, हाँ ये आइसोटोप्स भी हो सकता है तो इसलिए हमें पता नहीं है, तुम अगर गूगल करोगे तो हो सकता है तुम लोग को आइसोटोप नहीं मिलेगा, जो सबसे ज्यादा अबेंडेंट है उसका वैल्यू मिलेगा उस आइसोटोप का, ठीक है, तो इसमें अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12 करो, चलो पीरियोडिक टेबल में देखा बेटा चलेगा, कोई बात नहीं, चलो जो भी है आ जाओ, हमें कंसेप्ट से मतलब है कि अल्फा डीके में क्या कम होता है, बीटा में क्या बढ़ता है और क्या कम होता है, ठीक है, सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी झोल है यार, दोनों का सेम ही दिया हुआ है, एक काम करो सेकंड वाले को चेंज कर लो, कितना अल्फा बोला उसने कैलकुलेट, इसमें दोनों का सेम है, हाँ वही तो एक काम कर लो, इसमें दोनों सेम दिए उसने, ठीक है, गलती से इसमें भी मिसप्रिंट हो गई है, तो चलो मैं पहला एलिमेंट तो लिख लेता हूँ, आर ए 88 to 26, ये तो सही होगा पक्का, अब ये कन्वर्ट हो रहा है, बोल रहे हैं अंडरगो अल्फा डीके, एक अल्फा डीके मतलब ये जो नेक्स्ट वाला होगा ये होगा आर ए एक अल्फा डीके होना, तो 86 and 222 होगा प्लस हेलियम, ऐसा कर लो इसको, चलो ऐसा कर लो बेटा, चेंज कर लो इसको, ये है रिएक्शन तुम्हारी, अब इसने सबका मास दिया है आपको, है ना, इसका मास दिया है, इसका मास दिया है, इसका मास दिया है, तुम्हें पता है मास डिफेक्ट क्या होता है ना, अल्फा डीके में तुम्हें याद है क्या, MX - MY - MHE न्यूक्लियस का मास, डायरेक्टली इसका डीके करके बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे, उसको 931 से मल्टीप्लाई करके निकालोगे और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगी, चलो कैलकुलेटर यूज करो चाहे तो, काफी ज्यादा इसमें कैलकुलेशन बड़ा होगा तो कर लो और बताओ मुझे 12th का आंसर मैच होता है क्या, एडिट कर लो, ये तो सिंपल था, एक अल्फा है ना तो चिंता नहीं करना है, एक अल्फा मतलब 88 जो प्रिंट हुआ है उधर 86 कर लो और जो 226 प्रिंट हुआ है उधर 222 कर लो, ठीक है, ये ऑप्शन वाला नहीं है, चुपचाप कर फटाफट कर, करवा दिया ना मैंने एडिट, हो जाता है मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी, बेचारे टाइपोस को बहुत काम रहता है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 12 कर लो, आंसर मैच हुआ, जगजीत गॉट द आंसर, अरे हार्दिक ये नए मॉडल है इस साल के, ओके सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मैच हो गया क्या बेटा, फिर उसके बाद 13 कर सकते हो तुम, 12 के बाद 13 करो,
12 के बाद 13 करो, ओके अद्वित 13 करो, थर्टीन भी हुआ, चलो गुड। जिसका 13 हुआ वो 14 करे, 14 वो 14 करे। नहीं मैच हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, मैच होना चाहिए साईराज। 13 का मैच नहीं हो रहा है बेटा, कौन सा मैच नहीं हो रहा है साईराज? अच्छा मैंने करने को बोला था लास्ट लेक्चर में, चलो अच्छा है, अच्छा है। 12th, 13 क्या है मैं बताता हूँ। 13 में कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 3 अल्फा पार्टिकल कंबाइन टू फॉर्म अ C12 न्यूक्लियस, द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। 3 अल्फा पार्टिकल, ओके। 13 में क्या दिया है, 3 अल्फा पार्टिकल, 3 Hg2O4 कंबाइन टू फॉर्म C6H12। 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 6, ओके। तो इसका मास और इसका मास डिफरेंस लेके 931 से मल्टीप्लाई करो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, बहुत इजी है। ठीक है बेटा, देखो ये तीन बार है ना, तो इसका मास निकालो, उसको 3 times मल्टीप्लाई करो, इसका मास देखो, उसमें डिफरेंस लो और इस डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करो, 931 से। ओके गाइज, श्रावा समझ में आया? चलो 14 भी हो गया, वेरी गुड। किसका हुआ 14? जगजीत का हो गया, ओके जगजीत, बहुत बढ़िया जगजीत। 14th हो गया तो तू 15th भी कर सकता है। 15th थोड़ा तगड़ा लग रहा है क्वेश्चन, 15th कर सकता है जगजीत, 15 इज अ गुड क्वेश्चन। 13 समझ में आया श्रावा? Okay, Amog, I don't know the answer. I have to check which question you are talking about, Amog. 7.2 answer, मुझे check करना पड़ेगा. तुम check कर लो बेटा, book होगी ना तुम्हारे पास. 7.2 मेरे ख्याल से तुम 12th का बोल रहे हो क्या? So 12th का answer है तुम्हारा 4.87 है 12th का. ठीक है, 15th अच्छा लग रहा है सवाल. 14th सबका हो गया क्या? 14th आर्यन का भी हो गया, बहुत बढ़िया, एक बार देखता हूँ मैं. 13th श्रावा, हाँ चलो ग्रेट. 12th एंड 13th सबका हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ 14th पे. 14th में किसी को भी डाउट नहीं है, किसी को भी डाउट नहीं है, पक्का डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे तो डाउट आ रहा है इसमें सेकंड पार्ट में, मुझे डाउट आ रहा है, तुम लोग को क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसने मुझे मास दो ही चीजों का दिया है और मुझे 3 चीजों का मास चाहिए यहाँ पे. फाइंड द एनर्जी नीडेड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ कैल्शियम आइसोटोप. न्यूट्रॉन को निकालना है K2042, इसमें से किसको निकालना है, न्यूट्रॉन को. न्यूट्रॉन को निकालेंगे तो क्या है, सिंपल है, न्यूट्रॉन मतलब 01 होता है, तो इधर क्या रहेगा, कैल्शियम 2041. इसका मास दिया है क्या, चेक कर लेता हूं मैं. 2041 ये गिवन है, ये तो गिवन है, ये भी गिवन है, मास डिफेक्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी पार्ट. मास डिफेक्ट निकाल लो, आंसर निकाल लो 931.5 से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, मास डिफेक्ट में इसका मास माइनस इसका मास माइनस इसका मास मल्टीप्लाइड बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया. अब सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द एनर्जी नीडेड टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम दिस न्यूक्लियस. प्रोटॉन मतलब क्या, 2042. प्रोटॉन निकालो भाई, प्रोटॉन निकालो. तो एक काम करो, प्रोटॉन निकालोगे तो क्या होगा, मैंने गूगल से मास निकाला बोल रहा है. ओके जगजीत, बी तेरा भी डाउट है ना जगजीत? हाँ वही तो, क्योंकि इधर मुझे मास दो ही दिख रहे थे ना, तो कोई एक तो मिसिंग है, मास 3 चाहिए थे. ठीक है चलो, तो 2042 से एक प्रोटॉन कम होगा तो कैल्शियम के पहले कौन आता है, रे पोटेशियम कैल्शियम, हाँ के आता है, तो के आता है तो ये 19 होगा, और इधर 19 के साथ एक क्या निकाला हमने, इस केस में एक प्रोटॉन निकाल लिया, तो मास भी एक से घट गया, तो 41 हो जाएगा. अब तुम्हें इसका मास गिवन ही नहीं दिया है, मुझे नहीं दिख रहा है कि गिवन है, नहीं गिवन है. ठीक है, इसका मास पता होना चाहिए, इसका डाटा गिवन नहीं है. इसका मास तो खैर पता है, माइनस करना है दोनों के मास, किससे माइनस करना है, कैल्शियम. इसका गिवन है, इसका गिवन है, लेकिन ये मिसिंग है डाटा, फिर उसको 931 से मल्टीप्लाई करना है. ओके बेटा, सो कितना वैल्यू है बेटा, 19K41. नहीं वो तो ठीक है रे, 41. इसका एक्चुअल वैल्यू कितना आता है पता है क्या तुझे? पॉइंट्स में होगा यार कुछ,
जगजीत पॉइंट्स में होगा, तूने सर्च किया था ना, इसका डाटा बता दे मुझे एक बार बेटा। 39.09, ये तो एग्जैक्ट होता है, ये पोटेशियम का आइसोटोप होगा प्रोबेबली बेटा। वो 39 तो एक्चुअल है, 1939 होता है, हाँ 1939 होता है पोटेशियम का, लेकिन ये 41 है ना, तो इसका मास ज्यादा होगा। नहीं नहीं सस्मित नहीं होगा वो, हाँ ये जगजीत ने बताया है, इसने तो गूगल किया है ना, इसका सही होगा 40.96। ये डाटा बेटा लिख लो, ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए 9618, ये डाटा क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे मिसिंग है, मैं भी लिख लेता हूँ ठीक है, ये मिसिंग है डाटा, तुम लोग को लिखना पड़ेगा ये डाटा 40.9618, दे हैव टू प्रोवाइड दिस डाटा बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू। यस रोहन, रोहन तुम्हें समझ में आ रहा है ना ये सब? लास्ट टाइम ये सब नहीं बोले थे मैंने करने को, इसलिए मैं अभी कर रहा हूं, लेकिन उसने कर लिया, चलो अच्छी बात है। यस यस रोहन, आई नो दैट, एंड दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग ऑल द क्लास वर्क सम्स, इट्स माय वर्क टू सॉल्व ऑल द क्लास वर्क सम। सो कुछ भी डाउट है बेटा पूछ लो, पूछ लो, मैं बस डाटा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट। बट अगर तुम्हें लगता है कि मुझे सॉल्व करना चाहिए तो मुझे बता देना कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। अब इसका सी पार्ट है, व्हाई दीज एनर्जीज आर डिफरेंट, व्हाई इन न्यूट्रॉन, सी एक न्यूट्रॉन निकालना और एक प्रोटॉन निकालने में दोनों में अलग अलग एनर्जी क्यों निकल रही है, इट इज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। सी इन केस ऑफ प्रोटॉन व्हाट हैपेंस, प्रोटॉन हैज टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन देम, एक तो प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरैक्शन एंड द अदर वन इज अ न्यूक्लियर फोर्स, बट इन न्यूट्रॉन ओनली द न्यूक्लियर फोर्स इज एग्जिस्टिंग, there is no neutron neutron repulsion or attraction, that is why neutron ko nikalne mein shayad se kam energy lag rahi hogi. Dekho ek bar kaun si energy zyada hai, dekh lo ek bar, 40.96 hai uska kitna hai, 40.96 hai iska, check karna hai mujhe 2041 ka, 2041 ka 40.96 18 hai aur ye 22 hai, to ye 18 hai aur ye 18 hai aur wo 22 tha, तो ज्यादा माइनस कर रहे थे तो उसकी वैल्यू कम आ रही थी, इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज्यादा है बिकॉज इसमें रिपल्शन है, हाँ बराबर है रिपल्शन है ना इसमें, लेकिन इसमें बस एक न्यूक्लियर ही फोर्स है, तो इसका एफनेट कम था, तो इसमें कम लग रही है वैल्यू, इसमें ज्यादा लग रही है, तो लॉजिकल है ठीक है, प्रोटॉन की ज्यादा होनी चाहिए, क्यों समझ में आ रहा है, एफनेट जो प्रोटॉन का, प्रोटॉन की कम होनी चाहिए, प्रोटॉन की कम होनी चाहिए क्यों, बिकॉज एफनेट जो एग्जिस्ट कर रहा था, हमने देखा था ना 1 2 3 नेट फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन देम, तो इसमें कम है नेट फोर्स, कम है तो कम एनर्जी निकल रही है, इधर इधर ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी निकल रहा है ठीक है। हितेशी, हितेशी मास डिफेक्ट निगेटिव निकल के आना मतलब क्या कर दिया तुमने, तुमने इसमें से ये माइनस किया हितेशी, इसका मतलब मास डिफेक्ट में तुम्हें इसमें से ये माइनस करना है बेटा, तो देखो इसमें से ये माइनस करोगे तो प्लस ही आएगा शायद से, चलो दिस इज, ओके नेगेटिव नहीं आया ना, नेगेटिव कैसे आएगा, नेगेटिव आ रहा है क्या, वाकई में नेगेटिव आ रहा है क्या, इस चीज का सबका नेगेटिव आया क्या, 15 का आ गया, ओके बेटा देखता हूं मैं क्या है 15th 14th सबको समझ में आया, डन बोल के कमेंट करो प्लीज गाइस, 14th क्वेश्चन एवरीबडी अंडरस्टूड, सर 15 में पर डे पूछा है तो क्या पावर अपॉन टाइम इन वन डे करना है क्या, हाँ वन डे पूछा तो वन डे का ले लो एनर्जी, नेगेटिव आ रहा है, ओके बेटा नेगेटिव आ रहा है तो देनी पड़ रही होगी एनर्जी पक्का, सही कह रहे हो, नेगेटिव अगर आ रहा है तो एनर्जी देनी पड़ रही है वो करवाने के लिए, ओके नेगेटिव अगर तुम्हारा निकल के आ रहा है मास डिफेक्ट, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग वी हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, नहीं तो क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में निकल रही है एनर्जी, उसमें प्रोवाइड करनी पड़ रही होगी तब जाके ये मिल रहा होगा ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी 15 करते हैं, ओके 15 में पहले देख लेते हैं क्या रिएक्शन दिया है, इट इज प्रपोज टू यूज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, 15 क्वेश्चन, इट सीम्स गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है देखते ही, H12 रिएक्शन दिया उसने, H12 प्लस H12 gives He2O4, He2O4 देता है ऐसा उसने बोला है, ओके और जिसका रेटिंग है 200 वाट, 200 वाट पर जूल पर सेकंड, ओके
if energy from the above reaction is used with 25% efficiency in the reactor, how many grams of deuterium fuel will be needed per day? Ek din mein kitna fuel lagega? Chalega. Masses sabka given diya hai. Fine. Chalega. Sabse pehle to kya karo? Iski energy nikal lo. Binding energy. Kaise nikaloge? Ye 2 times H12 hai. Gives HE24. Mujhe data bataoge tum log. Calculate karke bataoge. Iska mass difference le lo. एंड 931 से मल्टीप्लाई करके मुझे रिजल्ट बताओ. चलो फटाफट. सबसे पहले तो बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी. फटाफट बताओ इसका वैल्यू. गाइस कैलकुलेट करो. वेरी गुड सस्मित. या टेल मी द वैल्यू, द बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू. थोड़ा नीचे लिखना पड़ता है. ओके इधर लिख दो. बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू बता दो. चलो कैलकुलेट करो. सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी. ओके जगजीत ने निकाला है. कितना निकाला है? 23.8336. ओके 23.8336 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट स्टेप है, इधर वाट दिया है तो इसको कन्वर्ट करना है जूल्स में. जूल्स में बताओ. जूल्स में किसी ने बताई है? वैसे साईराज ने बताई है शायद. साईराज सही होगा तेरा. लिख रहा हूं मैं 3.82 × 10−12 ऐसा बोला है इसने जूल्स में. ओके साईराज मैं मान रहा हूं कि तेरी वैल्यू सही है. चलेगा. अब क्या करते हैं, देखते हैं कि एक दिन में कितनी एनर्जी लग रही है हमें. 200 वाट है. 200 वाट मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड इन वन डे विल बी एनर्जी रिक्वायर्ड इन वन डे. वो निकाल लो. 200 जूल पर सेकंड थी मल्टीप्लाइड बाय एक दिन में कितना. 24 आवर्स 60 मिनट्स 60 सेकंड्स. तो ये एक दिन में लगने वाली एनर्जी निकल गई. ठीक है निकालो फटाफट निकालो. कैलकुलेट करना है. E=mc² क्यों लगा रहे हो बे? वो लगाने के बाद ही तो पूरा फॉर्मूला बनाया ना हमने. निकालो फटाफट कितनी एनर्जी है. वो 200 अपॉन क्या है? ये कुछ नहीं, जूल पर सेकंड है ना. यूनिट लिखा है, इसको भूल जा. यूनिट है वो ना. वो तो यूनिट है बेटा. रिफ्रेश कर लो, लैग नहीं होना चाहिए. रिफ्रेश कर लो. टेल मी द वैल्यू गाइस, बी क्विक. टेल मी द वैल्यू. एनर्जी रिक्वायर्ड इन वन डे, फटाफट बोलो. इतनी एनर्जी चाहिए. मिल कितनी रही है? इतनी मिल रही है. एक कितने ड्यूटेरॉन है? 2 ड्यूटेरॉन से इतनी मिल रही है. तो कितने ड्यूटेरॉन चाहिए होंगे वो निकाल लो. समझ में आई बात? 2 ड्यूटेरॉन से इतनी एनर्जी हमें मिल रही है, तो हाउ मेनी ड्यूटेरॉन्स आर रिक्वायर्ड वो तुम देख लो. तो नंबर ऑफ ड्यूटेरॉन्स रिक्वायर्ड आ गए, नंबर ऑफ H12 रिक्वायर्ड. चलेगा. उसके बाद क्या बोला है कि मास में बताओ. मास में बताओ तो नंबर निकल गया. चलेगा नंबर निकल गया. तो मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है तुम्हारा. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास इज m, मोलर मास इज कैपिटल m. उसका मोलर मास तुम्हें पता है. या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू टोटल पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल. सो नाउ हियर वी वांट दिस क्वांटिटी. मोलर मास इज नोन, n वी कैलकुलेटेड, na वी नो.
सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट. ओके समझ में आई बात. नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास और इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ड्यूटेरॉन्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर. सो यू कैलकुलेटेड एन यूजिंग द एनर्जी रिलेशन, पुट ओवर हियर, डिवाइड इट विद एन ए, मल्टीप्लाई इट विद द मोलर मास, यू विल गेट द मास रिक्वायर्ड. ओके आदित्य कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन तुम कर लो, किसी ने गलत किया होगा, मैं डाटा तुम्हारे ऊपर भरोसा करके लिख रहा हूँ, तो तुम खुद से डाटा मतलब अच्छे से पुट करके आंसर निकालना. स्टेप्स तुम्हें समझ में आ गया ना, स्टेप समझ में आ गया ना. 10^4 है बोल रहे, चलेगा 4 है तो 4 लिख देता हूँ, लेकिन स्टेप समझ में आ गया ना. अच्छा 25% इफिशियंसी भी बोला है, एक मिनट मैंने पढ़ा नहीं था क्या, 25% इफिशियंसी. ओके फाइन, 25% इफिशियंसी मतलब क्या है भाई, कि हमारे को जो एनर्जी मिल रही है उसका 25% ही यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 25/100. ये एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, छूट जाएगा नहीं तो. 25 × 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो एनर्जी जो हमें एनर्जी मिल रही है, एक से जो मिल रही है उसका 25% ही यूटिलाइज हो रहा है, बाकी सब कुछ वेस्ट हो रहा है. ओके सो बस 1/4 आ जाएगा फैक्टर एक्स्ट्रा. कर लोगे ना सॉल्व, डन ना, आ जाएगा आंसर बेटा. हो जाएगा ना बेटा, जल्दी जल्दी कमेंट करो, टेल मी यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट राइट. ओके चलो आगे बढ़ता हूँ फिर मैं. अब तो अपना हो गया 15th वॉज रियली नाइस क्वेश्चन, अच्छा बिल्ड था क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा था ये. अब मुझे पूछा है क्वेश्चन नंबर 16, दैट आई कैन डू. 16 आई कैन सॉल्व, 17 आई कैन सॉल्व, 18 आई कैन सॉल्व, 19 छोड़ के सब कर लो, अभी मिटा रहा हूं मैं इसका. 19 यू कैन नॉट सॉल्व, बाकी सब कुछ कर लो, 19 तो छोड़ के सब कर लो. 20 तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही करवा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया अपना, 16 करो, 17 करो, 18 करो, चलो तीनों क्वेश्चन कर लो फटाफट. How to find number of deuterons? That's what I am saying. But in the reaction, two deuterons are giving the energy of how much you know. दो deuteron कितनी energy दे रहे हैं वो तुम्हें पता है. वो reaction को देखोगे तो जो energy मिल रही है तुम्हें तो वो दो deuteron combine करने के बाद मिल रही है. तो तुम्हें कितने चाहिए होंगे कि उतनी energy आए, ऐसा question है ये. तो ratio लिया हमने, total energy को given energy से divide किया, ठीक है ना. तो वहां से तुम्हें answer आ जाएगा बेटा. अथर्व समझा बेटा, ड्यूटेरॉन मैंने कैसे निकाला, नंबर ऑफ ड्यूटेरॉन, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी इन अ सिंगल एनर्जी गिवन बाय वन ड्यूटेरॉन. ओके यस चलो. ओके 16th देखो, 16 तो सबका होना चाहिए अल्फा. अरे यार ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 16 आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, ओनली अल्फा पार्टिकल इज कमिंग आउट, यू नो दैट. 17th करो बेटा, चलो 17th एंड 18th निपटा दो, फटाफट निपटा दो, फिर अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन, ठीक है. मैं वॉशरूम से आया.
हेलो गाइस, डन हो गया क्या सबका? क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे थे अपन, 17 हो गया सबका, 18 तो 18 तो काफी आसान है, न्यूट्रिनो निकलेगा साथ में, तो 18 तो हो गया, 17th, 18 तो आसान था, 17 करना है, 17th नहीं हुआ, टेस्ला में दिया है कुछ, ओके चलेगा, एक बार देखता हूँ मैं कहाँ है मार्कर, ओके, चलो 18 तो सबका हो गया ना भाई, 18 देख लो न्यूट्रिनो है, देखते पता चल रहा है, 17 करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, देखते हैं 17 में क्या गिवन है, देखते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 17 उसने दिया है कि न्यूक्लियस एक्सिस इनिशियली एट रेस्ट, चलेगा, एक्स का एक न्यूक्लियस है, 92 और ए दिया है, ये दे रहा है तुम्हें वाई, इधर जेड दिया है और दिस इज गिवन एज 228 प्लस अल्फा पार्टिकल दिया तो मैं लिख रहा हूं Hg2 4 2 प्लस, चलेगा, जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 92, जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 92 गाइस, तो जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो मैं यहां पे 90 लिख रहा हूं, ऊपर बैलेंस करते हैं, 228 प्लस 4 इज इक्वल टू ए होना चाहिए, तो 232 होना चाहिए, तो ये 232 हो गया, चलो ये काम हो गया अपना पहले। The alpha particle produced in the above process is found to move in a circular track of radius. Okay, मैंने बोला था कि alpha particle को जब magnetic field से मैं pass करवाता हूँ, तो circle करती है। Okay. Circular track of radius in the magnetic field of 3 radii. Find the energy of the parent nucleus X. Parent nucleus X का energy निकालना है, चलेगा। ओके, सो बेसिकली रेडियस गिवन दिया कितना बेटा, रेडियस गिवन दिया तुम्हें 0.11 मीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू फॉर्मूला है एमवी अपॉन क्यू इनटू बी, ओके एमवी अपॉन क्यू इनटू बी, ये उस अल्फा पार्टिकल का एनर्जी दिया है जिसमें गामा डीके नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर गामा डीके होता तो हम रेडियस से बता नहीं सकते थे टोटल एनर्जी, हमें गामा डीके नहीं मानना है, मतलब सारे के सारे पार्टिकल एक ही जगह मिले, एक ही जगह मिले तो यहां से उनका मोमेंटम निकल, इनफैक्ट यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम हियर, ओके सो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो यहां से जो भी आए, ओके अरे बकवास मत करो बेटा, सब लोग इधर ध्यान दो गाइस, प्लीज फोकस ऑन द लेक्चर, अदरवाइज डोंट अटेंड द लेक्चर, ठीक है। सी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली हमने यहां से, सी गिवन डाटा में चार्ज हमें पता है, बी हमें पता है, मास ऑफ अल्फा तो हमें ऑलरेडी पता है, तो काइनेटिक एनर्जी निकल गई, इस काइनेटिक एनर्जी को कहां रखा हमने, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ये हमें पता चल गया, ओके तो तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा का और एटॉमिक नंबर का मैंने रिलेशन निकाला था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या होती है, फ्रैक्शन टाइम्स ऑफ क्यू होता है, ये हमें पता चला, और इस फ्रैक्शन में क्या आता है, मास नंबर आता है और 4 का फैक्टर आता है, याद आया अल्फा डीके वाला, यहां से तुम्हें क्यू बताना है, बता दो, चलो खत्म, क्यू बता दो, यहां से क्यों बता दो, इनफैक्ट केवाई भी निकाल लो, केवाई भी निकाल सकते हो तुम, चलो निकालो, अल्फा डीके का कहानी देख लो, हाँ चार्ज ऑन अल्फा इज 2e, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, डिस्कस तो कर चुका है ना बेटा ये सारा, अरे बेटा डिस्कशन फिर से चालू है, नहीं करना है डिस्कशन, हो गया क्या सबका क्वेश्चन नंबर 17th, आगे बढ़े, बोलो फटाफट आगे बढ़े क्या, ओके साहिल गाइस डन, क्वेश्चन नंबर 17 डन, 18 तो हो ही गया था, ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब कंसेप्ट लिखो, हेडिंग डालो, काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, देखो अभी तक हमने
एनर्जी कितनी निकलती है रिएक्शन में उसकी बात की। अब नेक्स्ट स्टेप है कि कितने रेट से वो न्यूक्लियस टूट रहा है, कितने रेट से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे, बीटा पार्टिकल्स निकल रहे, ठीक है, ये सारी चीजें अपन करने वाले हैं। ठीक है, अभी लिखना है काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओके दुर्गेश बेटा, कल की क्लास में, लास्ट क्लास में लिखवाया है वो, पता है तुम लोग को, लिखवाया है, नोट्स देखो अपने। लास्ट क्लास में लिखा है K of y is kinetic energy of y, Mr. Unknown. लास्ट क्लास में लिखा है ना बेटा, तुमने अटेंड की थी इनफैक्ट। ठीक है, लिखो अभी हेडिंग काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेट एट विच दिस पार्टिकल्स आर लिविंग, कितने रेट से पार्टिकल निकल रहे हैं। ओके शुरू करो ना, मैं किसी को बच नहीं रहा है ना कोई डाउट। गाइस डन राइट, सबका हो गया है, प्लीज लेट मी नो, शैल आई प्रोसीड। अरे वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर ना, या ओके ओके, जस्ट फोकस हियर नाउ। ओके ठीक है, रहने दो उस फॉर्मूले को, अभी जिसने लेक्चर अटेंड किया उसको पता होना चाहिए वो, ठीक है, प्लीज फोकस हियर नाउ, डोंट कमेंट नाउ। ओके गाइस चलो ध्यान दो इधर। अभी देखो काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी में, काइनेटिक्स समझने के लिए एक टर्म अपन डिफाइन करते हैं एक्टिविटी। पहली टर्म क्या डिफाइन करते हैं अपन, एक्टिविटी विच इज रिप्रेजेंटेड एज ए सी। Now, what is activity? Let's try to understand what is the meaning of activity. Suppose you have 100 nucleus. Suppose at t equals to 0, कोई एक material है जो radioactive है, उसके तुम्हारे पास 100 nucleus है. After 10 seconds, you have just 80 nucleus. मतलब 10 second में 20 nucleus टूट गए, गायब हो गए. अब बचे कितना, 80. फिर से वो 80 टूटेंगे, ऐसे टूटते जाएंगे, right? तो कितने रेट से वो टूट रहे, कैसे उनका disintegration हो रहा है, उसको measure करने के लिए we define the term activity. Okay? सस्मित लैग हो रहा है, प्लीज रिफ्रेश सस्मित। ओके सो एक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड पर सेकंड, इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कितने डिके हो रहे, यूनिट टाइम। ओके इट मेजर्स द रेट, सो इट मेजर्स द रेट, तो यूनिट क्या होना चाहिए इसका, इसका यूनिट होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इनफैक्ट वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड एज वन बैक्वेरल, इसको बैक्वेरल भी बोला जाता है। इसके और भी यूनिट है, क्यूरी एक यूनिट है इसका, इसका एक यूनिट तुम्हारा रदरफोर्ड है, तो बेसिकली वन क्यूरी, it is represented as one cu, curie, okay, and one rutherford is represented as one ru, okay, so one curie is equals to 3.7 into 10 to the power 10 dps disintegration, kafi bada unit hai, aur ye hota hai kuch 10 to the power 6 dps ke jaisa, theek hai, so ye teen unit ho gaye uske, theek hai, ab activity kya cheez hoti hai, activity rate of न्यूक्लियस डिकेड है, राइट, कितने रेट से न्यूक्लियस डिके कर रहा है, तो एक्टिविटी का जो फॉर्मूला बनता है होता है रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज dn अपॉन dt का मॉड, मॉड मतलब एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं बोलूंगा ना 50 न्यूक्लियस डिके कर रहे पर सेकंड या 40 कर रहे पर सेकंड, मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना -40 कर रहे, राइट, सो ऑलवेज मुझे एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके सो एक्टिविटी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एक्टिविटी is a positive quantity. कैसी quantity होती है, positive quantity होती है, हमेशा इसको positive लाना होता है। लेकिन क्या nucleus का change positive होगा, नहीं, nucleus घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, तो final nucleus हमेशा initial nucleus से कम रहेंगे, तो final कम रहेंगे तो dn की value negative निकल के आने वाली है, तो फिर इसको positive बनाने के लिए अपन activity के formula को लिखते हैं minus of dn by dt, क्या लिखते हैं अपन, minus of dn by dt। guys समझ में आ रहा है क्या, लिख लो फटाफट इतना, फिर आगे बढ़ते अपन और।
चलो आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ते। अब लिखना है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रेडियो एक्टिव डीके लॉ। लॉ बनाया गया, इसकी स्टडी की गई, एकदम प्रोबेबल इक्वेशंस लाए गए। ये जो इक्वेशन अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं एग्जैक्ट नहीं है, ये प्रेडिक्टेड है डाटा, ठीक है। प्रेडिक्शन किया गया रेडियो एक्टिव डीके लॉ। रेडियो एक्टिव डीके लॉ केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हें पढ़ाया गया है, पर अभी शायद लेटेस्ट पढ़ा है तुम लोगों ने, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ठीक है। क्या होता है ये लॉ? एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट। किसी भी मटेरियल की जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कि कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मतलब कि तुम्हारे पास स्टार्टिंग में 500 न्यूक्लियस थे, थोड़ी देर बाद क्या हो गया, न्यूक्लियस थोड़े कम हो गए, वो हो गए 300। तो जब तुम्हारा 500 न्यूक्लियस था वो ज्यादा तेजी से डीके कर रहा था, उसके बाद जब 300 न्यूक्लियस हुआ उसका रेट थोड़ा सा कम हो गया, और फिर और कम हो जाएगा, जब 200 न्यूक्लियस हो जाएगा तो रेट और कम हो जाएगा। मतलब रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट डिपेंड करता है कि कितने न्यूक्लियस तुम्हारे पास प्रेजेंट है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो तुम्हारा रेट क्या है? कम है, ओके। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियस है तो रेट कम है, कम होते जा रहे हैं न्यूक्लियस, तो तुम्हारा रेट क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है, ठीक है। सो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट। तो मैं लिख रहा हूं, ओके, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ अनडिकेड है ये, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। लिख लो इंस्टेंट ऑफ टाइम, फटाफट लिख लो ये चीज, लॉ लिख लो ये। फटाफट लॉ लिख लो ये वाला। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का एक्टिविटी प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। अब इसके पीछे का मैथमेटिक्स अपन करेंगे। जिसका लैग हो रहा है एक बार रिफ्रेश कर ले। नहीं, दर्शन कह रहा है डिकेड होना चाहिए, डिकेड न्यूक्लियस नहीं, जितने बच रहे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, जितने चले गए उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर तुम चले गए उसके ऊपर डिपेंड करवाओगे तो 1000 से जब तुम 100 पे आओगे तो 100 में 900 चले गए तो तब ज्यादा होनी चाहिए तुम्हारी एक्टिविटी, पर वैसा नहीं है। 1000 ने तो तुम्हारी एक्टिविटी ज्यादा है, पर तुम 100 पे आए तो कम बचे तो एक्टिविटी कम है बेटा दर्शन, ठीक है, ओके। अब देखो इसके पीछे का मैथमेटिक्स देखते हैं, जो कि तुम कर चुके हो, मुझे पता है ये केमिस्ट्री में होता है ये पूरा चीज, ठीक है, तब भी एक बार रिवाइज हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। सो अब देखो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू एन है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्टिविटी होगा सम कांस्टेंट इनटू एन, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज डीके कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है बेटा? डीके कांस्टेंट बोला जाता है। अब देखो यहां से पता चल जाएगा एक्टिविटी होता है माइनस dN / dt which is equals to lambda into n. अब n को n की तरफ लेके आते हैं, dt को उधर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा dn upon n is equals to lambda into dt. ये माइनस साइन मैंने lambda के साथ लिख लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। t equals to 0 पे मानते कि at t equals to 0 number of nucleus were n naught nucleus थे, हमने ऐसा माना। तो जब टाइम 0 था न्यूक्लियस n naught थे, जब टाइम t था न्यूक्लियस कितने हो गए? n हो गए। अब इंटीग्रेट करो 1 by n with respect to dn का इंटीग्रेशन ln n होता है, ln n में पहले लिमिट n डालनी है फिर n naught डालनी है, तो a माइनस b आ जाएगा जो कि a by b बन जाएगा, which is equals to minus lambda t,
क्या बन जाएगा माइनस लैम्डा टी। अब यहां से क्या आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल की तरफ चला जाएगा, ln को हटाना है हमें, ln को हटाना है तो एक्सपोनेंशियल लेना पड़ता है, तो n अपॉन n नॉट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी। फिर यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो किसी भी टाइम टी पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट की वैल्यू ये होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट ए टाइम टी, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे जितने न्यूक्लियर प्रेजेंट रहते हैं उसकी वैल्यू होती है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। मार्कर खत्म हो गया, मैं चेंज कर रहा हूं। लिख लो, डन। चलो बढ़िया, बकवास कम कर भाई साहिल, हटना पड़ेगा लेक्चर से तेरे को, डायलॉग बाजी कर रहा है, फोकस नहीं करता है, हीरो है तू, मालूम है सबको, ठीक है। इधर देखो, अभी अभी हमने क्या निकाला कि कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है टी टाइम के बाद, वो है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ओके, इतने न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो कितने चले गए, स्टार्टिंग में कितने थे, एन नॉट थे, अब कितने, इतने हैं, तो चले कितने गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड जो चले गए, टपक गए, विच इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन, पहले कितने थे अभी कितने, उनका डिफरेंस, विच इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन की वैल्यू निकाल चुके हैं, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, यहां से मिल जाएगा एन नॉट इन ब्रैकेट वन माइनस ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी। ये आ गया तुम्हारा डिकेड न्यूक्लियस, नंबर ऑफ डिकेड जो चले गए, बेचारे मर चुके हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एक्टिविटी की। सो एक्टिविटी का फॉर्मूला है लैम्डा टाइम्स ऑफ एन, एन की वैल्यू निकाल चुके हो, पुट कर लो, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी निकाल चुके हो, एन की वैल्यू पुट कर दी, तो लैम्डा इनटू एन नॉट को कहा जाता है एसी नॉट, एक्टिविटी एट टी इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड एज एसी नॉट, तो एसी का वैल्यू बन गया एसी इक्वल्स टू एसी नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और एक फॉर्मूला आ गया। ओके, अब बनाते ग्राफ्स, ठीक है ना, ग्राफ्स बनाते हैं। सबसे पहला ग्राफ बनाते एन वर्सेस टी का, किसी भी टाइम टी पे कितने न्यूक्लियस है वो निकालने के लिए, स्टार्टिंग में कितने थे, एन नॉट थे, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते गए तो ऐसे जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, अप्रोच नहीं करेगा कभी भी जीरो को, बढ़ते जाएगा, ठीक है। सेकंड, कितने डिकेड हो चुके हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड, इसको एन डैश बोल दो, इसको क्या बोल दो, एन डैश। तो हम ग्राफ बना रहे हैं अभी एन डैश वर्सेस टी का, तो एन डैश की वैल्यू क्या है, टी इक्वल्स टू जीरो पे कोई भी मरा नहीं था, पूरे के पूरे थे अपने पास, तो कितने थे, सॉरी टी इक्वल्स टू जीरो पे पूरे के न्यूक्लियस हमारे पास थे, तो मरे कितने थे, जीरो मरे थे, तो ये जीरो से स्टार्ट करेगा, एंड में कहां जाने वाला है, ये एन नॉट पे जाने वाला है, इनफाइनाइट टाइम के बाद एन नॉट होगा, तो एन नॉट को कभी अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, फटाफट लिख लो इसको, फिर हाफ लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। फटाफट लिखो, सब आता है तुम लोग को, ये ओके बेटा, हो गया सबका। अब हेडिंग डालो हाफ लाइफ, सब लोग हेडिंग डालेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, तब तक कितना टाइम लगता है, उस टाइम को अपन कहते हैं हाफ लाइफ। ओके, सो हाफ लाइफ का बेसिकली कंसेप्ट है कि टी हाफ, इट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ। ओके, ये कब आती है,
जब तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन एन नॉट से क्या हो जाता है एन नॉट बाई टू, तो उसमें जितना टाइम लगता है उसको तुमने टी हाफ बोल दिया, उसको क्या बोल दिया तुमने टी हाफ बोल दिया। तो किसी भी टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका वैल्यू है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। यू जस्ट हैव टू पुट एट टाइम टी हाफ योर कॉन्सेंट्रेशन इज एन नॉट बाई टू, सो इट इज एन नॉट बाई टू इंटू एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी हाफ। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल को हटाना है तो ln लेना पड़ेगा, ये माइनस को हटाना है तो 1 by 2 को 2 लेना पड़ेगा। तो ln 2 का वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, तुम लोग समझदार हो, मैथ्स आती है, ln 2 equals to lambda into t half हो जाएगा। यहां से मैं t half क्या लिख सकता हूं, t half is equals to ln 2 divided by lambda, ln 2 का वैल्यू क्या होता है 0.693 divided by lambda, याद है ना सबको, ये क्या हुआ है ना केमिस्ट्री में, t half equals to ln 2 by lambda 0.693 divided by lambda। तो बेसिकली इफ they are giving you t half ultimate agar wo t half de rahe so that means they are you are given with the lambda value of lambda। to kabhi kabhi lambda direct nahi dete, t half dete, wahan se lambda nikalna padta hai, is equation se nikal jayega, ye tumhara t half ho gaya। chalo likh lo, lag ho raha hai beta mera network ka, main speed dekh leta hu ek bar, ruk kuch mere taraf se problem hai kya pata chal jayega, ek minute ruko। There is no problem from my side, guys. ठीक है, there is no problem from my side. My connectivity is good enough. Okay, please check from your side. Yeah. ये t half हो गया। अब लिखना है next heading, decay equation in terms of t half. लिखो decay equation in terms of t half. ओके okay, हो गया सबका। अब हेडिंग डालो डीके इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी हाफ। डीके इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी हाफ, टी हाफ के टर्म्स में डीके इक्वेशन। देख लो डीके इक्वेशन लिखते समय ऐसा करते हैं, टी हाफ को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और टी हाफ का वैल्यू तुम्हें पता है इट इज 0.693 बाय लैम्बडा और यू कैन कीप इट एज ln 2 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। Okay, from here you'll get the value of lambda as ln 2 divided by capital T, that is T half. Now in the equation, n equals to n naught e raised to the power minus lambda T. In place of lambda, you can keep this value. So lambda ke place mein ye value likh lo, to e ki power minus lambda ke place mein maine likh diya ln 2 divided by capital T whole multiplied by small t. Now, ln ke saath jo component hai juda hua, wo hai minus T by T. So you know that property hai ek ln ki, ln of a raised to the power b equals to b ln a। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं अपन, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा n not e raised to the power ln of 2 raised to the power minus t by capital t, ऐसा हो जाएगा, पावर में चढ़ जाएगा, ln और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आएगा n is equals to n not multiplied by 2 raised to the power minus t by capital t, माइनस है नीचे जाएगा तो n बन जाएगा n not divided by 2 raised to the power t divided by capital t। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन, ओके okay? ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। किसी भी टाइम टी पे अगर तुम्हें देखना है कि कितने न्यूक्लियाई बचे और तुम्हें डायरेक्टली हाफ लाइफ गिवन है, तो हाफ लाइफ को यहां पुट कर दो और आंसर निकाल लो, कैपिटल टी की जगह पे हाफ लाइफ पुट कर लो, टाइम उसने दिया होगा तो डायरेक्टली तुम्हारा हाफ लाइफ निकल जाएगा। लिख लो, फटाफट लिख लो, डन। चलो बढ़िया, और एक इक्वेशन देता हूं जिससे और सिंपल हो जाती है चीजें, ठीक है।
लिखो सैंपल रिमेंड आफ्टर एन हाफ लाइफ्स, कितना सैंपल बचता है एन हाफ लाइफ के बाद, लिख लो सैंपल रिमेंड आफ्टर एन हाफ लाइफ्स, एन हाफ लाइफ्स हो गई है, एन हाफ लाइफ्स, एन हाफ लाइफ्स मतलब तुम्हारा टाइम कितना हो चुका है, तुम्हारा टाइम हो चुका है एन इंटू टी हाफ, ठीक है, एन इंटू टी हाफ मतलब एन इंटू कैपिटल टी, तो तुमने अब जो इक्वेशन निकाली थी एन नॉट, क्या निकाली थी इक्वेशन, किसी भी टाइम टी पे एन होता है तुम्हारा एन नॉट डिवाइडेड बाई टू रेस्ट टू द पावर टी बाई कैपिटल टी, बट अब तुम्हारा टी कितना हो चुका है एन टाइम्स ऑफ टी हाफ, एन टाइम्स ऑफ टी हाफ मतलब फॉर एग्जाम्पल उसने दिया है तुम्हें कि किसी मटेरियल का टी हाफ 2 महीना है, 2 मंथ्स है, और अभी 10 मंथ्स हो चुके हैं, 10 मंथ्स हो चुके हैं मतलब 5 ऐसी टी हाफ हो चुकी है, 2 × 5 = 10 राइट, तो 5 हाफ लाइफ हो चुके हैं, तो उस टाइम पे तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो 2 इंटू टी के बदले लिख दिया तुमने n इंटू कैपिटल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, टी ने टी को मार दिया, ये बन गया तुम्हारा एन नॉट अपॉन 2 की पावर n, किसी भी मटेरियल का अगर टी हाफ दिया है और तुम्हारा गिवन टाइम टी हाफ के प्रोपोर्शन में, फॉर एग्जाम्पल उसने दिया है टी हाफ 2 महीना लेकिन 10 महीने बाद पूछा है तो 5 के रेशियो में आता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 5 पुट करके तुम वैल्यू निकाल सकते हो, एकदम सिंपल इक्वेशन है, उसने बोला कि टी हाफ इज हाफ अवर, हाउ मच सैंपल विल लेफ्ट आफ्टर 3 आवर्स, तो कितने हाफ आवर्स हो गए तब तक 6, तो डायरेक्टली एन नॉट बाय 6, एन नॉट बाय 2 रेस्ट टू द पावर 6, एकदम क्विक आंसर के लिए ये इक्वेशन काफी यूजफुल है, ठीक है लिख लो। या अद्वैत इट इज टी हाफ, कैपिटल टी को मैंने टी हाफ से टी हाफ बोला है बेटा, समझ में आया क्या? अब सब लोग लिखेंगे एवरेज लाइफ, जिसका हो गया है लिखना वो लिखेंगे एवरेज लाइफ, ओके ओके गाइज आगे बढ़ते हैं, अभी हेडिंग डालो एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ टी एवरेज, टी एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अलग अलग न्यूक्लियस अलग अलग टाइम पे मर रहे हैं, अलग अलग टाइम पे जा रहे हैं, तो किसी भी टाइम टी पे अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका, तो टी टाइम के बाद मेरे पास जो न्यूक्लियस बचते हो कितने बचते हैं, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी बच रहे हैं, लेकिन कितने चले गए, एन नॉट माइनस एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी चले जा चुके हैं, एन नॉट थे स्टार्टिंग में, टी टाइम के बाद इतने बचे हैं, इनका डिफरेंस चला जा चुका है, अब मुझे एवरेज लाइफ निकालनी है, तो टी एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टी एवरेज के लिए मैं देखूंगा कि डीएन पार्टिकल मेरे ऐसे है जिनकी हाफ लाइफ टी है, ऐसे मेरे पास कितने पार्टिकल है, डीएन पार्टिकल है जिनकी हाफ लाइफ टी है, ऐसे सबकी हाफ लाइफ को जोड़ के इंटीग्रेट करके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, टी एवरेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसका काफी सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे क्लास में 100 बच्चे है, 100 बच्चों में किसी का मास 50 kg है, किसी का 60 kg है, किसी का 70 kg है, तो हम क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं कि 60 kg वाले 4 है, 30 kg वाले 2 है, 100 kg वाले 4 है, तो अपन वैसे मल्टीप्लाई करते हैं 4 × their weight + 3 × their weight + 2 × their weight, ऐसा करके टोटल से डिवाइड करते हैं। ये सिमिलर वही चीज है, डीएन पार्टिकल ऐसे है जिनकी लाइफ है टी, टी टाइम बाद वो चले जा रहे हैं, तो ऐसे सारे dn into t को इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना और डिवाइडेड बाय टोटल करना, हमें मिलेगा एवरेज लाइफ, हमें क्या मिलेगा एवरेज लाइफ। अब इसके लिए dn की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अब dn की वैल्यू पुट करने के लिए मुझे पता है कि dn की वैल्यू क्या होती है, सी dn बाय dt मतलब तुम्हारा होता है dn बाय dt इक्वल टू माइनस लैम्बडा t होता है, एक्टिविटी इक्वल टू माइनस लैम्बडा सॉरी माइनस लैम्बडा n, कितना होता है एक्टिविटी इक्वल टू माइनस लैम्बडा n, तो dn की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस लैम्बडा n into dt, क्या हो जाएगी माइनस लैम्बडा एन इंटू डी टी, इंटीग्रेशन का ऊपर का लिमिट इन्फिनिटी है ना इनफाइनाइट टाइम के बाद, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लगता है सबको मरने के लिए, तो 0 to infinity इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये हो गया तुम्हारा डीएन। अब क्या लिखो तुम, एन लिखो, एन की वैल्यू क्या है एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्बडा टी, तो डीएन में ये जो एन आया उसको लिख दो, तो ये आ जाएगा माइनस
इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, dn के बदले लिखना है लैम्डा इंटू n, n के बदले लिखना है n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, ये हो गया तुम्हारा dn, सॉरी dt बच रहा है, dt बच रहा है, ये तुम्हारा dn हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाय एक t था यहाँ पे और डिवाइडेड बाय n नॉट था, n नॉट ने n नॉट को मार दिया। अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है माइनस लैम्डा कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन आएगा तुम्हारा t into e की पावर माइनस लैम्डा t dt फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, कहां से कहां तक आएगा, फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है क्या? मैंने पढ़ाया था इंटीग्रेशन में, पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था कि भाई अगर तुम्हारा दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। इफ यू रिमेंबर, ये मैंने पढ़ाया था तुम लोग को, प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, ये टी भी वेरिएबल है और यहाँ पे भी टी वेरिएबल है, ये दोनों आ गए, तो इसमें प्रोडक्ट रूल और आइलेट रूल यूज करते हैं अपन, राइट? तो एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन लेना है हमेशा, इसको सेकंड फंक्शन लेना है और इसको फर्स्ट फंक्शन लेना है और सिंप्लीफाई करना है, यू नो दैट, राइट? तुम सिंप्लीफाई करके बताओ और देखो कि रिजल्ट 1 बाय लैम्डा के बराबर आता है कि नहीं आता है। यू विल सिंप्लीफाई इट, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, मैथमेटिक्स आती है तुम लोग को, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट करना है, फॉर्मूला तुम्हें पता है, लगा के देखो 1 बाय लैम्डा आता है क्या, आना चाहिए 1 बाय लैम्डा, नहीं आ रहा है तो तुमने कैलकुलेशन एरर कर लिया होगा कोई, फटाफट करो। चलो, सब लोग को पता है ना ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, लिख लिया सबने, लिख लो फटाफट। ओके, गुड, बहुत बढ़िया, वन बाय लैम्डा आना चाहिए, साइन का गड़बड़ मत करना, लिमिट्स प्रॉपर रखना, आंसर बराबर आएगा। दो टर्म्स आएगी, लिमिट्स का यूज करना पड़ेगा, पता नहीं तुम्हारा लिमिट हुआ है कि नहीं मैथमेटिक्स में, लिमिट्स का भी यूज करना पड़ता है इधर, ठीक है? आ गया है सबका, लैम्डा बेटा रिएक्शन का एक लैम्डा तो कांस्टेंट क्यों है, लैम्डा को कांस्टेंट ही तो डिफाइन किया, जब एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू एन बोला हमने, तो इसका मतलब क्या है कि एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, वही तो लैम्डा है, इसलिए तो उसको बाहर निकाला, वो तो कांस्टेंट रहेगा ना बेटा। डीके लॉ में उसको कांस्टेंट बोल के तो रखा ना, आ गया ना सबका, आगे बढ़ू? ओके, डन गाइस, सबको मिल गया वो, लिख लिया सबने सब, जगजीत कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला लिख लो अभी, इंटीग्रेशन आएगा ना मैथमेटिक्स में तो हो जाएगा, ये करना पड़ेगा मैथ्स में, ये मैथ्स में आएगा बेटा जगजीत, ठीक है? तो अभी तो लिख लो तुम लोग ये, ठीक है? लिख लिया सबने? चलो मिटा रहा हूं मैं, ओके। चलो देखो अभी,
अभी हमने एवरेज लाइफ निकाल ली है, अब एक दो चीजें बच रही है, पैरेलल रिएक्शंस एंड कंटिन्यूअस सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन वाली रिएक्शन। पैरेलल कर लेते हैं पहले, फिर सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन करते हैं, उसके पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो पैरेलल रिएक्शन मतलब क्या, ये ए है तुम्हारा, ये ए ब्रेक कर रहा है दो चीजों में, साइमल्टेनियसली बी भी बना रहा है और सी भी बना रहा है, एक ही बंदा दो में टूट के दो चीजें बना रहा है। इसके लिए लैम्बडा वन है, इसके लिए लैम्बडा टू है। तुम केमिस्ट्री में के लेते हो शायद इसको, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। सो अपन लैम्बडा लेके चलते हैं। तो एक ही बंदा दो में टूट रहा है, ए से बी बना रहा है, बी से सी बना रहा है, तो एक्टिविटी पहले वाले के लिए क्या हो जाएगी, पहले वाले के लिए एक्टिविटी हो जाएगी लैम्बडा वन, क्या हो जाएगी लैम्बडा वन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को मान लो एन नॉट, क्या मान लो उसके कॉन्सेंट्रेशन को एन नॉट। दूसरे वाले की बात करो तो दूसरे वाले की एक्टिविटी क्या हो जाएगी लैम्बडा टू इंटू मान लो इसको एन नॉट, ये एन नॉट है ना गिवन, तो लैम्बडा वन एन नॉट और दूसरे वाले का लैम्बडा टू एन नॉट, तो नेट एक्टिविटी हो जाएगी ए सी वन टू मल्टीप्लाइड बाय एन नॉट, दिस इज योर रिजल्टेंट एक्टिविटी। तो ये तुम्हारा लैम्बडा इफेक्टिव बन जाएगा, क्या हो जाएगा लैम्बडा इफेक्टिव, इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ लैम्बडा वन एंड लैम्बडा टू, दिस बिकम्स योर लैम्बडा इफेक्टिव इन अ पैरेलल रिएक्शन। यूजुअली इन फिजिक्स दे नेवर आस्क क्वेश्चंस ऑन पैरेलल रिएक्शन बिकॉज इट इज ऑलरेडी कवर्ड इन केमिस्ट्री, बट मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बाय चांस कभी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन लैम्बडा इफेक्टिव की वैल्यू तो हमें पता है, इट इज 0.693 अपॉन टी हाफ, या हमें डिराइव किया था हमने टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाय लैम्बडा और लैम्बडा इक्वल्स टू 0.693 बाय टी हाफ। तो यहाँ पे लिख दो नेट टी हाफ इक्विवेलेंट, क्योंकि लैम्बडा इफेक्टिव लिखा तुमने राइट, यहाँ पे लिख दो 0.693 बाय टी हाफ ऑफ वन प्लस वन अपॉन टी हाफ ऑफ सेकंड, लिख लो फिर। ओके जगजीत फॉलो कर सकते हो। टी को क्यों फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, क्योंकि सेकंड केस में उसका डेरिवेटिव वन होना चाहिए। लैग हो रहा है, रिफ्रेश कर लो एक बार थोड़ा फटाफट कर लिया करो, रिफ्रेश लैग होता तो। अभी एक चीज बच रही है अपनी, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, पर डिसइंटीग्रेशन क्या होगा देखो, एक दो मिनट रुको, देयर वाज अ प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। अभी अच्छा होगा, एक बार चेक करो प्लीज। लैग ऑन क्लाउड नाइन, क्लियर नाउ, सॉरी गाइज इट वॉज अ प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड, बिट ऑफ कनेक्टिविटी इशू। आवाज आ रही है तुम लोग को मेरी, क्लियर हो जाएगा वो नेटवर्क, एक दो मिनट में हो जाएगा सही। तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, हमने नहीं 6th पे आ जाओ, मॉड्यूल देखो क्वेश्चन नंबर 6th, मॉड्यूल पे क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ा है हमने, उसके ऊपर आ जाओ सबसे पहले। कुछ क्वेश्चंस करके अपन खत्म करेंगे वो लास्ट कंसेप्ट, पहले तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट पेज पे प्रोबेबली 6th ओनली इज द क्वेश्चन वी स्किप्ड, क्वेश्चन नंबर 6 कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन पेज नंबर 305, पेज नंबर 305 क्वेश्चन नंबर 6, देन नंबर 306, 10 यू डोंट हैव टू डू राइट नाउ, देन 11, देन 19, फटाफट इस सीक्वेंस में क्वेश्चंस करो। यस क्वेश्चन 6, 9, 11 एंड 19 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस विच वी लेफ्ट। ओके तब तक प्रोबेबली मेरा स्ट्रीम भी सही हो जाएगा, मेरे तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम था कनेक्टिविटी का, अचानक से स्पीड डिक्रीज हो गया था, तो तब तक वो सही भी हो जाएगा। तो पेज नंबर 305, पेज नंबर 306 पे तुम लोग क्वेश्चन 6, 9, 11 एंड 19 करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। यशरावा आई एम नॉट गोइंग टू यू नो
solve anything right now. I'm just giving you guys time to solve the question 6, 9, 11, and 19, Trava. So, tab tak shayad speed bhi achha jayega. Okay, fatafat karo. बार बार मैं चेक करते रहता हूं. ओके. Question number 6, guys, you want to ask me anything? Six done. Everybody, six done. Then ninth. Sabka six ho gaya. Kisi ko bhi doubt hai to comment karke rakh do. ऋत्विक कह रहा है कि सिक्स बता दो. चलो ऋत्विक, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया है कि गिवन मास दिया है, लैम्ब्डा दिया है, वेट दिया है और इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस पूछा है. बेटा सबसे पहले तो बताओ एक मोल में कितने न्यूक्लियस होते हैं. नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन वन मोल एनए होंगे. तो तुम लोग देख लो कि इसने कितने मोल्स दिए, गिवन मास दिया है, मोलर मास दिया है, तो डिवाइड कर लो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो. एक मोल में एनए न्यूक्लियस है तो इतने मोल्स में कितने होंगे. ये यार कनेक्शन को क्या हो जाता है अभी. ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स. हाँ नंबर ऑफ मोल्स यूज करो, नंबर ऑफ मोल्स यूज करो. सिक्स तो काफी आसान है. इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस समझ में आया सबको. एकदम परफेक्ट है बोल रहे कुछ लोग. नो लैग नाउ, गुड. नो लैग, ओके सॉरी यार. ठीक है सो इसमें अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में देख लो, दिख रहा है अगर अभी तो मैं बना लेता हूं. देखो एक मोल में हाउ मेनी न्यूक्लियर डू यू हैव. यू हैव एनए नंबर ऑफ न्यूक्लियर. नाउ हाउ मेनी मोल्स डू यू हैव. गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एनए करना पड़ेगा तो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट मिलेंगे टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पे. फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेड आफ्टर टाइम टी. डिकेड, डिके हो चुके हैं. डिके हो चुके मतलब एन डैश की वैल्यू बतानी है तुम्हें, वो होती है एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी. खत्म. एन नॉट तुम निकाल चुके हो, बस पुट करना है इस इक्वेशन में. थर्ड में पूछा है फाइंड द एक्टिविटी ऑफ सैंपल. सिंपली टी टाइम बाद एक्टिविटी होती है ए सी नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी. ए सी नॉट मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ एन नॉट इन टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी. एन नॉट तुम निकाल चुके हो, फिर से यहाँ पुट कर लो. क्वेश्चन नंबर सिक्स डन. काफी ईजी क्वेश्चन है ये तो, इसमें क्या दिक्कत है. नाइन्थ, ओके नाइन्थ इज अ गुड क्वेश्चन. Nine seems good question. कार्बन के ऊपर है तो पक्का इसमें दो आइसोटोप मिलाया तो टाइम वगैरह कुछ पूछ रहा होगा. क्या पूछा है. डिटरमाइन द एवरेज एक्टिविटी इन अ डीके पर मिनट पर ग्राम ऑफ नेचुरल कार्बन फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रिलेटिव टू दैट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस. ओके एवरेज एक्टिविटी पर मिनट पर ग्राम चलेगा. नाइन्थ में सॉल्व करता हूं. ये बता दो कि अब क्लैरिटी है कि नहीं. Ninth, I'm going to solve. Tell me the clarity. Clarity, bolo.
नाइन्थ करते हैं अपन सॉल्व। चलो देखते हैं नाइन्थ में क्या है। ठीक है सबसे पहले तो देखो क्या गिवन दिया है उसने। उसने दिया है कि C14 की एक्टिविटी बतानी है आप लोगों को डीके पर मिनट पर ग्राम ऑफ नेचुरल कार्बन फाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इफ द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इज गिवन। कॉन्सेंट्रेशन रेशियो मतलब C14 का C12 के साथ जो रेशियो है वो रेशियो है देखो बेटा 1.4 × 10^-12। ओके फाइन चलेगा पर 1 ग्राम चलेगा। 1 ग्राम में सबसे पहले तो क्या करते हैं C12 देखते हैं। 1 ग्राम C12 में कितने न्यूक्लियाई होंगे कितने एटम होंगे वो निकालते हैं। 1 ग्राम का मीनिंग है पहले तो मोल निकालना पड़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा गिवन मास 1 ग्राम अपॉन मोलर मास दैट इज 12 1/12। अरे यार यहाँ दिखेगा नहीं एक मिनट नीचे लिखता हूं थोड़ा मैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12 देखते हैं सबसे पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12 इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास 12 है 1/12 है। ओके 1/12 क्या हो गए 8:30 तक लेक्चर है बेटा अथर्व तुझे पता होना चाहिए चीज। तो 1/12 तुम्हारे मोल होंगे उसमें। यस वी कैन टेल द न्यूक्लिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला कि मोल होने के बाद एक मोल में एन ए होते हैं तो इतने मोल में मल्टीप्लाइड बाय ये होंगे मल्टीप्लाइड बाय एन ए। तो नंबर ऑफ न्यूक्लिया है नंबर ऑफ न्यूक्लिया है ऑफ C6H12 इज इक्वल टू 1/12 इनटू एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 × 10^23। ये उसके न्यूक्लिया हो गए। Trying, I don't know what is the answer, but I'm trying. Okay. So सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया इसमें? सबसे पहले हमने निकाल लिया नंबर। हो गया? बताओ इसका वैल्यू क्या आता है? कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ। बोलो। फटाफट कैलकुलेट करके वैल्यू बोलो। लैग हो रहा है क्या? फिर से हट तेरी तो। 5 × 10^22। Okay. न्यूक्लिया है नंबर ऑफ टेल मी द वैल्यू नंबर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ C14। बोलो वैल्यू बोलो फटाफट बोलो गाइस नंबर ऑफ न्यूक्लियस C14 बोलो। अद्वैत इट्स ऑन नया स्ट्रीम करने की कोई जरूरत नहीं है। सेवन कितना आ रहा है रोहन? 7 × 10^11। ओके 7 × 10^11 आया। मान रहा हूं कि सही किया होगा तुमने। ये तुमने क्या निकाले C14 के न्यूक्लिया। अब पूछी क्या गई है एक्टिविटी। एक्टिविटी होता है लैम्डा टाइम्स ऑफ न्यूक्लिया है लैम्डा टाइम्स ऑफ एन। तो एन तुमने निकाल लिया है लैम्डा तुम्हें निकालना पड़ेगा। लैम्डा के लिए तुम्हें 0.693/t² करना है। करो 0.693/t² करके लैम्डा निकाल के इधर पुट करो फिर एन से मल्टीप्लाई करो और देखो एक्टिविटी कितनी आती है। तो यूनिट्स का ध्यान रखना टी हाफ इज गिवन इन ईयर्स। बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं। 10^10 आएगा। ओके 7 × 10^10। ओके ओके बेटा ओके कोई बात नहीं ठीक है। तो बताओ उसके बाद तुमने लैम्डा कितना निकाला और लैम्डा को पुट करने के बाद एक्टिविटी कितनी आई। यूनिट देख लेना एक्टिविटी का पीछे आंसर में किस यूनिट में दिया हुआ है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है कि क्या है एक बार चेक कर लो। नाइन्थ का आंसर इज गिवन एज डिकेस पर ग्राम पर मिनट है तुम एक काम करो इस इयर्स को ना मिनट्स में कन्वर्ट कर लो बेटा। यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट द ईयर इनटू मिनट। एंड कितना है पॉइंट्स में इट इज वेट विच क्वेश्चन नाइन्थ ना 16 आ रहा है। बस थोड़ा ज्यादा आना चाहिए 16 के आगे कुछ नहीं आ रहा है। हाँ 16 इसका आया साईराज का है 16 1 0। ओके 16 1 0 आ रहा है साईराज का 16 1 0 ये आंसर है। हाँ, थोड़ा बड़ा आना चाहिए उधर पीछे 16 दिया हो और लोगों का 16 1 0 आया तो करेक्ट होगा यही आंसर। उसने 16 दिया है बस 10 मिसिंग लग रहा है मुझे आंसर में।
16, हाँ ओके, साईराज का 1610 है। चलो करेक्ट होगा साईराज, मैं एक बार एडिट कर लेता हूँ इसका ऑप्शन पीछे, और दो चीजें करनी थी हमें, पोटेशियम और इसका, चलेगा। ओके बेटा हो गया 1610 सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अद्वैत हो गया बेटा 1610, आया आंसर 1610। इसके बाद तुम्हें करना है बेटा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद कौन सा छोड़ा था हमने, एक मिनट, टेंथ नहीं कर सकते अपन, इलेवेंथ करो, इलेवेंथ करो इसके बाद, इलेवेंथ करना है। हाँ अननोन, मिस्टर अननोन, टेल मी योर डाउट इफ यू एनी डाउट, अगर कुछ भी डाउट है बेटा तो पूछ ले। इलेवेंथ कर ले जगजीत, हाँ इलेवेंथ कर ले, अगर तेरा नाइन्थ हो गया इलेवेंथ कर ले, टेंथ मैंने पढ़ाया नहीं अभी, टेंथ पढ़ाया नहीं है, लगता है अगली क्लास में जाएगा ये। ओके जगजीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इलेवेंथ क्वेश्चन गाइस, रेडॉन दिया हुआ है और बोला है कि इनिशियली कितने एटम्स थे, इनिशियल एटम्स दिए है, हाउ मेनी एटम्स विल रिमेन आफ्टर 12 days पूछा है, कर लो डायरेक्ट फॉर्मूला एनटी का, एन नॉट दिया है, लैम्डा के लिए और भी कुछ वैल्यू दी होगी उसने, हाफ लाइफ दिए तो लैम्डा निकल जाएगा, इलेवेंथ क्वेश्चन में हाफ लाइफ इज गिवन, लैम्डा यू कैन कैलकुलेट। ओके आंसर नहीं मैच कर रहा है मिस्टर अननोन। ओके बेटा एक बार देख ले, यहां तक तो मैंने लिख लिया आंसर्स, मैंने बस इसके आंसर्स नहीं लिखे, लैम्डा की वैल्यू नहीं लिखी है बेटा मैंने, और एन की वैल्यू तो मैं निकाल चुका, बस लैम्डा की वैल्यू लिखनी है तुम्हें, ये देख ले तूने यहां गलत किया होगा, मिनट्स में निकालना है आंसर, पीछे मिनट्स में गिवन है तो मिनट्स में निकालना, इसको ईओएस में 30 ऑफ उसको कन्वर्ट करना, फिर इधर पुट करना, फिर एन के साथ मल्टीप्लाई करवाना, फिर देखना आंसर क्या आता है, ठीक है ना बेटा। देव का भी आया, मतलब काफी लोगों का 1610 आया, तो इसका आंसर 1610 ही है पक्का, ठीक है, उधर पीछे बस 16 प्रिंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 11 तो सबको आ रहा होगा ना, एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है इसमें, 11th में, 11th में कुछ पूछना है, तू जरा पीछे है लेकिन आ गया, चलेगा अद्वैत, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। इलेवेंथ गाइस टेल मी, डन इलेवेंथ, ये तो मिटा दे रहा हूं अब मैं, हो गया होगा सबका अभी तक। इलेवेंथ, सो इन इलेवेंथ व्हाट इज गिवन, हाफ लाइफ इज गिवन, इट इज गिवन फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा को कैलकुलेट करना है 0.693 बाय टी हाफ से, ओके, एन नॉट इज गिवन, एन नॉट इन हाउ मेनी एटम्स आर देयर, सो एन नॉट इज गिवन एज 4 × 10⁻¹⁸, ओके, और एन टी पूछा है तो क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, एवरीथिंग इज गिवन, टी भी बोला है कितना उसने 12 days, ध्यान रखना यहाँ पे जो लैम्डा निकाल रहे हो उसका यूनिट और टी से मल्टीप्लाई करते हो, यूनिट सेम होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, व्हाट इज द इनिशियल एक्टिविटी, एक्टिविटी सिंपल, एसी नॉट इक्वल्स टू लैम्डा इनटू एन नॉट है, एन नॉट उसने दिया है, लैम्डा उसको निकालने को बोला है, बस खत्म, ए पार्ट दिस इज बी पार्ट, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी गुड सुमित, जगजीत, आदित्य, साईराज एंड सस्मित और बहुत लोग, देव का भी हो गया, रोहन मैंने बताया 11th, रोहन सी द फॉर्मूला बेटा, हाँ फ्लैश आ रही है, ओके फ्लैश किधर, ओके लिख लो, डन ना। अब लास्ट क्वेश्चन था कौन सा, 11th के बाद बोला था मैंने तुम्हें, 12th तो हो गया था, 13th हो गया था, 14th हो गया था, 15th, 16th, 17th,
19th बच रहा है, अभी लास्ट है ना 19th, 19th हो जाएगा तो तुम मॉड्यूल कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो, एक्सेप्ट द सक्सेसिव इंटीग्रेशन, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस कि ए से बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है, वो छोड़ के तुम सब मॉड्यूल ट्राई कर सकते हो। फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, फिर लेक्चर को एंड कर देते हैं, टाइम हो गया अपना, अरे बाप रे टाइम ऑलरेडी हो गया है। ओके 19 कर लो इन अ गिवन इंस्टेंट। 19 ने तो होमवर्क के फॉर्म में करोगे क्या? 19 होमवर्क के फॉर्म में कर लोगे? लेक्चर एंड कर लो क्या? होमवर्क दे देता हूं मैं तुम लोग को, होमवर्क है तुम लोग का मॉड्यूल 4 कंप्लीट, मॉड्यूल 4 कंप्लीट करना है तुम लोग को, ठीक है? मॉड्यूल 4 को कंप्लीट करो, ये तुम्हारा होमवर्क है। 19 भी तुम्हारा हो जाएगा, मीन लाइफ गिवन है, इजी लग रहा है क्वेश्चन देखते ही, है ना? चलो चलो गाइस, फिर वी हैव क्लास ऑन वेनसडे, ओके? सो तब तक तुम मॉड्यूल 4 कंप्लीट कर लेना, और एचसी वर्मा में अगर टाइम मिलता है तो न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक कर लेना। पहले प्रायोरिटी पे मॉड्यूल करनी है सब लोग को, पहले मॉड्यूल कंप्लीट करोगे, ठीक है? चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस टुडे, या चलो बाय। यस आर्या, एचसीवी अगर टाइम मिलता है तुम लोग को कल तक, तो एचसीवी का न्यूक्लियर फिजिक्स करना है मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद। ओके बेटा बाय बाय, टेक केयर। ओके देव, थैंक यू।